महावतार बाबा जी के बारे में सबसे पहले श्री परमहंस योगानंद जी की पुस्तक योगी कथामृत से लोगों को पता चला, और उनको पता चला था लाहिड़ी महाशय से। लाहिड़ी महाशय ने अपनी डायरी में बाबा जी के बारे में जिक्र किया है। महावतार बाबा जी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, मुझे जहाँ तक लगता है कि 5-6 पुस्तकें हैं कम से कम जो महावतार बाबा जी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बाबा जी के बारे में, मेरे पास रिकॉर्डेड करीबन 5-6 घंटा का ऑडियो है, लेकिन उनमें से करीबन 2 घंटे का ऑडियो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, जिसमें महावतार बाबा जी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, क्योंकि आप लोग सुन भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं 2 घंटा में ही आप लोगों को कुछ कंटेंट दे रहा हूँ महावतार बाबा जी के बारे में। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले तो योगी कथामृत में महावतार बाबा जी के बारे में क्या लिखा गया है वो हम सुनेंगे, उसके बाद क्या गोरखनाथ और महावतार बाबा जी एक ही हैं इसके बारे में हम सुनेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। हमारा एक पेड ग्रुप भी अभी शुरू होने वाला है पुनर्जन्म पे, तो अगर आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने की राशि 499 रुपीज़ है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए सुनते हैं महावतार बाबा जी के बारे में। महावतार बाबा जी सांसारिक जन्म मरण से परे, महावतार बाबा जी परम शिव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं। वे आज भी जीवित हैं और उनकी अनश्वर उपस्थिति आज भी हिमालय की श्रृंखलाओं को पावन कर रही है। उनकी किंवदंतियां समूचे भारतवर्ष में व्याप्त है। वे अनंत ज्ञान के प्रकाशमान शीस, सुगंधित हृदय और अमर आत्मा हैं। उन्हें पुरातन से भी प्राचीन कहा जाता है, और वे महान बरगद के वृक्ष स्वरूप हैं, जिनसे समस्त अवतारों, संतों और दिव्य अवतरणों की शाखाएं प्रस्फुटित हुई है। यहां तक कि देवता और दिव्य लोक के वासी भी उनकी सतत आराधना करते हैं और उनसे जगत को बंधनों और दुखों से मुक्त करने हेतु प्रार्थना करते हैं। महावतार बाबा जी ने ही आधुनिक युग को क्रिया योग के आत्ममोक्ष के विज्ञान से प्रबुद्ध किया है। अपने परम शिष्य श्री योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के द्वारा महावतार बाबा जी ने आधुनिक जगत को वास्तविक क्रिया योग से प्रबुद्ध किया, जिन्हें स्वयं उन्होंने ही 1861 ईस्वी में इस महान आत्मविद्या में दीक्षित किया। जब परमहंस योगानंद ने 1946 में अपनी कालजयी रचना योगी कथामृत को प्रकाशित किया, तब पहली बार महावतार बाबा जी के विषय में बड़े पैमाने पर लोगों को पता चला। महावतार बाबा जी पर अभी तक बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी है। बहुत से लोग यह दावा भी करते हैं कि वह महावतार बाबा जी से मिल चुके हैं, लेकिन बाबा जी के प्रसंग में मैं भी वहीं से शुरुआत करूंगा जहां से दुनिया को पहली बार महावतार बाबा जी के बारे में पता चला। जैसे जैसे यह प्रसंग आगे बढ़ता जाएगा, मैं आपको उन पुस्तकों के बारे में भी बताऊंगा जिसमें बाबा जी के बारे में जिक्र किया गया है। तो शुरुआत करते हैं श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय से। आगे जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उसे मैंने पुराण पुरुष योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी नामक पुस्तक से लिया है। लाहिड़ी महाशय हिमालय में बाबा जी से कैसे मिले थे, उसका यहां विस्तृत वर्णन है। तो शुरू करते हैं। पुराण पुरुष योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी। एक दिन श्यामाचरण सहस्त्र सिपाहियों और चपरासियों को साथ लेकर कार्यालय के रुपए पैसों के साथ पहाड़ी निर्जन रास्ते से जा रहे थे। इसी समय अचानक उन्होंने सुना जैसे कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है। श्यामाचरण ने पहाड़ के ऊपर की ओर देखा और देखा कि एक सन्यासी उन्हें बुला रहे हैं। सन्यासी कुछ तेजी से नीचे की ओर उतरते हुए
श्यामाचरण के सामने आकर खड़े हो गए। सन्यासी का सुडौल पुष्ट शरीर था, घुटनों तक लंबी बाहें थी और शांत स्निग्ध दृष्टि में विचित्र आकर्षण था। चेहरे पर मधुर मुस्कान बिखर रही थी। श्यामाचरण ने समझा, शायद लुटेरों का कोई सरदार है और उसके दल के लोग कहीं पास ही छिपे हैं। वे सतर्क हो गए। सन्यासी ने कहा, श्यामाचरण डरो मत, मुझे मालूम था कि तुम इसी रास्ते से जाओगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम जल्द ही ऑफिस का कार्य पूरा करके मेरी कुटिया में आओगे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यह कहकर सन्यासी दूर पहाड़ के ऊपर स्थित कुटी की ओर निर्देश करते हुए चले गए। इसके बाद श्यामाचरण ऑफिस का कार्य शीघ्रतापूर्वक पूरा करके तंबू में लौट आए। श्यामाचरण सोचने लगे कि सन्यासी के पास जाएं या नहीं। फिर सोचा, आखिर सन्यासी ने उनका नाम कैसे जाना। श्यामाचरण को पता था कि हिमालय के इस निर्जन प्रदेश में अनेक अच्छे साधु सन्यासी भी रहते हैं, इसलिए स्वभावतः धर्मप्राण श्यामाचरण की इच्छा उस सन्यासी से परिचय प्राप्त करने के लिए प्रबल हो उठी और शीघ्र ही सन्यासी दर्शन के उद्देश्य से रवाना हो गए। पहाड़ के उतार चढ़ाव वाले रास्ते पर चलने से मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों का कलांत हो जाना स्वाभाविक है। पहाड़ से लगा जो पतला रास्ता चोटी की ओर गया है, वे अकेले उसी रास्ते से होकर चलने लगे। इस अपार्थिव सौंदर्यमय प्रदेश में ध्यानासीन धुरजटी के तपोवन में कितने महायोगी ध्यानमग्न हैं। उनके पुण्य दर्शन की आकांक्षा के साथ युग युग से कितने लोगों का आवागमन जारी है। काफी दूर तक जाने के पश्चात कलांत श्यामाचरण सोचते हैं कि जाना उचित होगा या नहीं। इधर यदि शाम तक तंबू की ओर लौट ना सके तो जंगली हिंसक जानवरों से घिरे इलाके में भय भी है। धीरे धीरे पहाड़ के अंतराल में सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक पत्थर पर बैठकर श्यामाचरण विश्राम करने लगे। कहीं भी किसी जन या मानव का संकेत नहीं। ऐसे निर्जन स्थान में किसी को होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। थोड़ी ठंड पड़ रही थी। जंगली रास्ता, चारों ओर घना जंगल, उसके भीतर से वे आगे की ओर बढ़ चले। मन में संदेह जगा कि कहीं गलत रास्ते से तो नहीं आ गए। सामने हिमालय का विचित्र सौंदर्य प्रसारित है, जिसे देखकर आंखें शीतल हो जाती है। जहां तक दृष्टि जाती है, पहाड़ पर पहाड़ की लहरदार श्रेणियां क्षितिज में विलीन हो गई है। लगता है हिमालय का यह अरण्य ही देव मानव की निवास भूमि है। यह हिमालय ही तो साधुओं महात्माओं की तपस्या का क्षेत्र है। नीचे दो पहाड़ों के बीच से निकलकर हिमालय के चरणों को धोती हुई एक नवनीत तनवंगी निर्झरनी प्रवाहित है। ऐसा लगता है जैसे वह देवादिदेव के अंग से घुले चरणामृत को धरती की ओर बहा ले आ रही है। झरने की धारा गंगा नदी की गोद में दौड़कर कूद पड़ती है। हवा में निरंतर उस जल की कलकल एवं छलछल की ध्वनि गूंज रही है, जैसे वन देवी अदृश्य रूप से कहीं जल तरंग बजा रही हो। प्रवाह के मार्ग में ढेर सारे शिलाखंड चुपचाप सर उठाए उस संगीत को सुन रहे हैं। चीड़ एवं पाइन के वृक्ष प्रहरी की तरह अपनी संगीन ऊंची किए हुए सारे पहाड़ पर अधिकार जमाए बैठे हैं। उसी की वन नीलिमा के अंतराल में ऊपर की ओर जाती हुई पगडंडी अध्यात्म के प्यासे पथिक श्यामाचरण के चित्त को हाथ बढ़ाकर अनजाने मार्ग की ओर बुला रही है। अकस्मात उन्हें फिर वही परिचित कंठ स्वर सुनाई पड़ा, श्यामाचरण इधर आओ। उन्होंने देखा कि पर्वत के शिखर पर वही सन्यासी खड़े हैं और उन्हें बुला रहे हैं। संदिग्ध मन से किसी अज्ञात नशे के आकर्षण में श्यामाचरण हाफते हाफते शिखर पर पहुंच गए। देखा कि सन्यासी उनकी ओर देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं।
घर से बिछड़ा हुआ पुत्र जैसे अनेक दिनों के बाद पिता की स्नेह सिक्त स्निग्ध आंखों की छाया में आकर खड़ा हो, निर्निमेष दृष्टि से चुपचाप श्यामाचरण देखते रहे, सन्यासी को दंडवत प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा, श्यामाचरण, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या? क्या तुम्हें याद नहीं पड़ता कि तुम कभी यहां आए हो? गुफा के भीतर रखी बाघ की छाल और कमंडल इत्यादि दिखाकर कहा, क्या तुम इन्हें भी नहीं पहचान पा रहे हो? श्यामाचरण ने कहा, मैं यहां इससे पहले कभी नहीं आया, इन्हें मैं पहचानता नहीं, और किसी के होंगे। सन्यासी ने कहा, सुनो श्यामाचरण, यह सब महामाया का खेल है, उन्होंने ही तुम्हारी स्मृति पर आवरण डाल रखा है। सन्यासी ने धीरे से श्यामाचरण को स्पर्श किया। श्यामाचरण के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो, उन्हें अपने पूर्व जन्म की साधना में जीवन की याद आ जाती है। उनके समझ में आ गया कि ये महामुनि ही उनके पूर्व जन्म के गुरु हैं। सन्यासी ने कहा, तुम पूर्व जन्म में यहीं रहकर साधना करते थे, यह व्याघ्र चर्म, यह कमंडल और सभी वस्तुएं तुम्हारी है, इन्हें मैंने यत्न के साथ रख दिया है, यही साधना करते करते तुम्हारे जीवन का अंत हो जाता है। उसके बाद घुर्नी ग्राम में गौर मोहन के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होता है। तब से ही सभी विषयों में तुम्हारे प्रति मेरी दृष्टि रही है। तुम्हें इस पहाड़ी इलाके में मैं ही बदली करवा के लाया हूं, योग की दीक्षा देने के लिए। तुम्हारे लिए मैं 40 वर्षों से प्रतीक्षारत हूं। श्यामाचरण ने बचपन से ही महातीर्थ काशीधाम में रहकर अनेक साधुओं को देखा है। साधुओं के संबंध में उनकी वास्तविक जानकारी थी। इसके अतिरिक्त तीव्र बुद्धि, विचार शक्ति एवं विद्यावत्ता के कारण हृदय के आवेग संवेग काफी संयत थे। अतएव जब तक वे इस साधु के साथ अनेक विषयों की आलोचना करके उनकी उक्तियों या कथन की वास्तविकता के संबंध में संदेह रहित नहीं हो गए, तब तक उनसे योग की दीक्षा लेने के लिए राजी नहीं हुए। इसके पश्चात मुनिवर ने उन्हें योग दीक्षा प्रदान की। श्यामाचरण निस्पंद समाधिस्थ हो गए। अब तक पीछे पहाड़ के अंतराल में सूर्यास्त हो गया। इसके बाद सांध्यकालीन आकाश के तारे चुपचाप अनंत में आरती का दीप सजाकर झिलमिलाने लगते हैं। चारों ओर स्वर्गलोक एवं मर्त्यलोक में एक शब्दहीन प्रशांति सुशोभित है। श्यामाचरण की तरह प्रकृति भी ध्यान मग्ना निस्पंदा योगिनी जैसी प्रतीत हो रही है। चारों ओर के पहाड़ ज्योत्सना स्नात देवादिदेव का ज्योतिर्मय रूप धारण किए हुए है। लगता है चंद्रदेव ध्यान मग्न सौम्य शांत शिव सुंदर को आरती कर रहे हैं। सारी धरती के अंग अंग में उस चीर सुंदर का अनंत प्रकाश उद्भासित है। फिर धीरे धीरे आकाश में उषा का धुंधला प्रकाश फूटने लगा। आकाश में रात भर जगी तंद्रिल आंखों से तारे देख रहे हैं। पश्चिमी आकाश में पहाड़ों के बीच चंद्र अस्त हो गया। क्षितिज तक सफेद भाप या शुभ्र वाष्प जैसा कुहासा फैला है। क्रमशः उस झीने पतले कुहासे के मौन आवरण को सरकाकर पूरब की ओर लालिमा फूट पड़ती है। तारे तुरंत छिप गए। पूरब के आकाश में रोशनी का कमल खिल उठता है। विधाता की रूप सृष्टि की यह एक अपूर्व महिमा है। जय शिव शंभो, हर हर महादेव। उपस्थित सन्यासियों की संवेद कंठ से शिव ध्वनि उठती है और पहाड़ों से होकर प्रतिध्वनित होती हुई श्यामाचरण के कानों से टकराती है। जड़ जगत की वह ध्वनि नवीन साधक के मन में बहुत भीतर तक प्रवेश करती हुई आनंदमय प्रतिध्वनि की सृष्टि करती है। देवाधिदेव का ध्यान टूटा। श्यामाचरण उठकर खड़े हो गए।
ऊपर सुंदर नीला आकाश, ठंडी हवा का मधुर स्पर्श तथा वृक्षों पर पक्षियों का कलरव सब कुछ अद्भुत आनंदमयता की सृष्टि कर रहे थे। श्यामाचरण अपने वास स्थान की ओर लौट पड़े। मन में जैसे परम प्राप्ति का कोई अपार्थिव आनंद घर कर गया हो। उनकी इस दीक्षा का स्थान रानीखेत से प्रायः 15 मील दूर द्वाराहाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत द्रोणगिरी अथवा दूनागिरी पर्वत पर स्थित है। दीक्षा के माध्यम से महायोगी के युगत संस्कार के विकास या जागरण से भारत के अध्यात्म साधना का एक और अध्याय आरंभ हुआ। इस यौगिक शक्ति संपदा के पुनः प्राप्ति से केवल उन्हीं के जीव एवं शिव की अभिन्नता का मार्ग प्रशस्त हुआ ऐसी बात नहीं, बल्कि उसके साथ ही लाखों मनुष्यों की भी मुक्ति का मार्ग खुल गया। उनकी दीक्षा प्राप्ति के साथ आगामी काल के मनुष्यों का भी भाग्य जागा। लाखों व्यक्तियों को साधना मार्ग प्राप्त होगा और कितने साधक तो उनका ही आश्रय ग्रहण करेंगे। पुनः भारत के घर घर में गीता की वाणी गूंजेगी और गीता ज्ञान का प्रचार होगा। ऋषियों द्वारा प्रदर्शित दुर्लभ प्राचीन योगाभ्यास का मार्ग पुनः जन समाज में आसानी से प्रशस्त होगा। इस समस्त भावी कार्यों की संभावनाएं उनकी दीक्षा के साथ ही उजागर होने लगी। इसलिए उनकी दीक्षा के दिन से ही संसार में कर्म योग की साधना एवं जीवन का एक नया द्वार खुल गया। दीक्षा के पश्चात ही श्यामाचरण प्रत्येक दिन ऑफिस का कार्य जल्दी जल्दी पूरा करते और गुरु के पास आकर गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर उन्होंने कठोर साधना के माध्यम से अपनी जीवन साधना प्रारंभ की। थोड़े ही दिनों की साधना के पश्चात ही पूर्व जन्म की संचित योग विभूति का विकास होने लगा और अनेक अनास्वादित आनंद एवं अज्ञात रहस्यमयता के बिंब उनके ध्यान नेत्र में उभरने लगे। वे साधना एवं गुरु प्रेम में तल्लीन हो गए। जीवन यात्रा के मार्ग में 2 दिन पूर्व जिनसे कोई परिचित नहीं था, अब वे ही श्यामाचरण के जीवन एक नए संसार का परिचय देकर उनके घनिष्ठ आत्मीय हो गए। जैसे आत्मीयता निस्वार्थ प्रेम एवं निर्मल स्नेह ने रूप धारण कर लिया हो। और बाबा जी अब उनके कितने प्रिय और अपनी हो गए। श्यामाचरण अपने गुरुदेव को बाबा जी कहकर संबोधित करते, इसलिए परवर्ती काल में उनके अगणित शिष्यों ने भी उन्हें बाबा जी की संज्ञा दी थी। साधना के नशे में आत्मविस्मृत श्यामाचरण गृहस्थ संसार पत्नी पुत्र कन्या सबको भूलकर इस प्रकार साधना में विभोर हो गए कि वे किसी भी कीमत पर गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। पूर्व जन्म में श्यामाचरण ने इसी गुफा में रहकर कठोर साधना की थी। परिणामतः वर्तमान जन्म में थोड़े ही दिनों की गहरी साधना के माध्यम से वे साधना के एक उच्च स्तर पर पहुंचकर घर बार सब कुछ भूल गए। इसी बीच एक दिन बाबा जी उनसे कहा कि वे कुछ दिनों के भीतर इस गुफा को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यहां लोगों की आबादी बढ़ने लगी है और साधुओं के रहने के लिए यह जगह अनुपयुक्त होती जा रही है। विशेष रूप से वे जिस कार्य के लिए इतने दिनों तक यहां टिके रहे वह कार्य भी संपन्न हो गया। बाबा जी ने जिस कौशल के साथ उन्हें यहां बुलाया था वह भी उन्हें विस्तार पूर्वक बतलाया। इस दुर्गम पर्वत अंचल में अन्य एक क्लर्क के आने की बात थी, किंतु बाबा जी की इच्छा शक्ति के प्रभाव से अधिकारियों ने उसके बदले श्यामाचरण को भेज दिया। बाबा जी ने और भी बतलाया कि जिस कार्य के लिए तुम्हें यहां लाया गया था वह पूरा हो गया, अब तुम्हें घर लौट जाना होगा, वहां तुम्हें बहुत कुछ करना है। किंतु श्यामाचरण घर लौटना नहीं चाहते। सौभाग्य से उन्हें पुनः अपने प्रिय गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ है। वे चाहते हैं कि शेष जीवन गुरु के सानिध्य में कठोर योग साधना में रत रहकर बिताए। श्यामाचरण ने इस प्रकार अपनी इच्छा व्यक्त की। बाबा जी ने कहा, श्यामाचरण ऐसा नहीं होता, तुम पूरी तरह एक गृहस्थ की हैसियत से
गृहस्थ आश्रम में रहकर कठोर साधना के साथ एक उज्जवल आदर्श की स्थापना करोगे। तमाम लोग तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। उन सभी सदगृहस्थों को तुम मुक्ति मार्ग दिखाओगे। तुम उनके प्रति प्रतिश्रुतिबद्ध हो। उसे भूलने से काम नहीं चलेगा। सांसारिक मनुष्य संसार में रहकर ही ईश्वर की साधना करना चाहता है, क्योंकि संसारी मनुष्य के जीवन में अनेकों समस्याएं हैं और उनके पास अधिक समय नहीं है। इसलिए तुम्हें उनके जीवन में सहज सरल आडंबरहीन एवं अन्य समय में ही फलदायक इस योग साधना का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तुम्हारा आगमन इस धरती पर इसलिए हुआ है, यह बात हमेशा याद रखनी है। श्यामाचरण ने निवेदन किया कि सांसारिक कार्य व्यस्तता के बीच कठोर साधना कैसे की जा सकेगी, ये बात उनके लिए असंभव से प्रतीत होती है। उसके लिए समय कहां मिलेगा? बाबा जी ने कहा, नहीं श्यामाचरण, तुम गृहस्थी में जाकर देखो तो तुम्हें काफी समय मिलेगा। समय अनुसार तुम्हारा स्थानांतर काशी में हो जाएगा और तुम सुखी रहोगे। तुम स्वयं गृहस्थ जीवन में रहकर ही साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करोगे, तभी तुम्हारे आदर्श को सांसारिक व्यक्ति स्वीकार करेंगे। और यह भी जान लो कि संसार को कोई त्याग नहीं सकता, उससे कोई भी अलग रह ही नहीं सकता। मनुष्य चाहे जहां भी रहे, संसार उसके साथ रहेगा। इसके अतिरिक्त सांसारिक लोगों ने ही इस दुनिया को इतना सुंदर बना रखा है, इतना वैभव विलास दे रखा है। इनके ना होने से पृथ्वी इतनी सुंदर नहीं होती। सांसारिक जीवन के अभाव में ईश्वर की सृष्टि नष्ट हो जाती है। सभी इस संसार में जन्म लेते हैं। ईश्वर की साधना केवल संसार त्यागी या विरक्त लोगों के लिए नहीं हो सकती। देखो, मैं सन्यासी होकर भी जिस पात्र के द्वारा जल पीता हूं, वह भी संसारी व्यक्ति का ही अवदान है। दयाशील बाबा ने और भी कहा कि आज संसारी मनुष्य ईश्वर साधना के बारे में अत्यंत निरुपाय है। तुम स्वयं संसार में रहकर उन्हें सही रास्ता दिखाओगे, भय की कोई बात नहीं। तुम घर लौट जाओ। यथासमय बीच बीच में तुम मुझे देख सकोगे और जब भी तुम मुझे देखना चाहोगे देख सकोगे। संसार में सदगृहस्थों की प्रतिष्ठा हो। उसके बाद बाबा जी ने पास बैठे कुछ लोगों की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम्हें इन लोगों को दीक्षा प्रदान करनी होगी। तुम्हारे लिए ही इतने दिनों तक इन्हें रोक रखा है। श्यामाचरण ने कहा, आपके रहते हुए ये लोग मुझसे क्यों दीक्षा लेंगे? बाबा जी ने हंसकर कहा, हमारे साथ उनका कोई संबंध या लेन देन नहीं है, तुम्हारे साथ ही उनका संबंध है, इसलिए तुम्हें ही दीक्षा देनी होगी। दीक्षा किस प्रकार दी जाती है यह उन्होंने बता दिया। उसके बाद उन लोगों को दीक्षा प्रदान की गई। इस प्रकार बाबा जी ने सहज योग साधना के विभिन्न प्रक्रियाओं और दीक्षा प्रदान करने के संबंध में श्यामाचरण को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की और उन्हें घर वापस भेज दिया, क्योंकि परवर्ती काल में लोक शिक्षा के लिए अथवा लोगों को मुक्ति मार्ग दिखाने के लिए यह सब उन्हें ही करना होगा। बाबा जी और गोरखनाथ एक ही हैं। वे अनामिक कहलाए जाते हैं, परंतु फिर भी उनके कई नाम हैं। उन सब में सबसे पहला नाम बाबा जी है। वे समय से भी प्राचीन सभी सिद्धों के पितामह, दिव्य राजवंशों के सम्राटों के सम्राट हैं, जिन्हें प्रथम और अंतिम कहा जाता है। वे महाअवतार हैं, समूचे ज्ञान और संसार के उत्थान के मूल स्रोत हैं, जिनका वर्तमान जगत से सर्वप्रथम परिचय कराया योगावतार लाहिड़ी महाशय ने, फिर ज्ञानावतार श्री युक्तीश्वर ने और तत्पश्चात परमहंस योगानंद ने, जो क्रिया योग के मुख्य प्रदायक विज्ञान को भारत से पश्चिमी जगत में ले गए।
परमहंस योगानंद रचित एक योगी की आत्मकथा के द्वारा जन सामान्य को सर्वप्रथम बाबा जी का परिचय प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ ने इस बात का खुलासा किया कि बाबा जी वे अमर योगी हैं जो जगत के कल्याण और आध्यात्मिक उत्थान के लिए युगों युगों से जीवित हैं। हमें बताया गया है कि योगानंद के परम गुरु योगावतार लाहिड़ी महाशय ने उन्हें बाबा जी का नाम दिया और स्वयं बाबा जी के द्वारा क्रिया योग में दीक्षित हुए। योगावतार लाहिड़ी महाशय के द्वारा ही क्रिया योग के क्रांतिकारी प्रकाशमान पथ का ज्ञान आज समूचे संसार भर में प्रसारित है। अगर आप लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग पर एक विहंगम दृष्टि मेरी आवाज में सुनना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा और उसके साथ आपको ऑडियो बुक भी दिया जाएगा। हमें बताया गया कि योगानंद के परम गुरु योगावतार लाहिड़ी महाशय ने उन्हें बाबा जी का नाम दिया और स्वयं बाबा जी के द्वारा क्रिया योग में दीक्षित हुए। योगावतार लाहिड़ी महाशय के द्वारा ही क्रिया योग के क्रांतिकारी प्रकाशमान पथ का ज्ञान आज समूचे संसार भर में प्रसारित है। हालांकि इस विरासत के द्वारा ही हमें महाअवतार के कई विवरण प्राप्त हुए हैं, परंतु फिर भी ऐसा बहुतेरी बातों को गुप्त रखते हुए किया गया। उस समय के महान आध्यात्मिक सदगुरुओं ने बेहद सावधानी के साथ बाबा जी नाम की उस महान सत्ता के बस थोड़े से विवरणों को लोगों के सामने प्रकट किया। उस समय के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति की अवस्था अपर्याप्त होने के कारण बाबा जी के रहस्यों को छिपाकर रखा गया। बाबा जी के जीवन और विरासत के कतिपय विवरण जन साधारण को बताने लायक नहीं समझे गए, क्योंकि उस समय लोग उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो समय आ गया है कि हम इस महान सत्ता के विषय में जितना अधिक मनुष्य जान सकता है उतना अधिक सत्य प्रकट करें। जो अमर महावतार है, जो हमारी रक्षा और मार्गदर्शन और हमारी मानव जाति और संसार को आशीष देने के लिए आए हैं। परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा में कहा है, मैंने इन पृष्ठों में बाबा जी के जीवन का महज एक संकेत दिया है, बहुत थोड़े से तथ्य जिन्हें वे समझते हैं कि सार्वजनिक रूप से बताया जाना उचित और उपयोगी होगा। यह पहले से जानते हुए कि एक ऐसा समय आएगा जब सच्चे जिज्ञासु जिनके मन मस्तिष्क बाबा जी के सत्य को अपनाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होंगे, इस महान सत्ता के बारे में जानने के लिए प्यासे हो उठेंगे। परमहंस योगानंद ने उनकी पहचान को लेकर बहुत से संकेत दिए जिनका आगे चलकर प्रकटीकरण तय था। कदाचित इस बात का सबसे बड़ा संकेत उन्होंने अपनी आत्मकथा में दिया है, जहां उन्होंने हमें बताया कि बाबा जी तो उन महावतार के बहुत से नामों में से एक नाम है और यह कि उन्हें बहुत से दूसरे नामों से भी बुलाया जाता है जो सैव मत से संबंधित है। बाबा जी के बारे में वे कहते हैं, उन्होंने अपने लिए एक साधारण नाम चुना है जिसका अर्थ पूज्य पिता होता है। लाहिड़ी महाशय के शिष्यों द्वारा उन्हें दिए गए दूसरे नाम है महामुनि बाबा जी महाराज, महायोगी, त्रयंबक बाबा और शिव बाबा। यह योगानंद की कलम की कोई गलती नहीं बल्कि स्पष्ट संकेत है कि वे किसे बाबा जी कह रहे हैं। इन नामों से कोई साधारण पाठक भी आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि योगावतार लाहिड़ी महाशय और उनके शिष्य बाबा जी को एक अवतार और शिव का स्वरूप मानते थे। शिव के इस स्वरूप की किसी सामान्य अवतार के रूप में व्याख्या नहीं हुई बल्कि अति उच्च और शिव की अनवरत अभिव्यक्ति के रूप में उन्हें जाना गया है, क्योंकि बाबा जी स्वयं अविनाशी शिव ही हैं जो पूरे भारतवर्ष में शिव गोरज के नाम से प्रसिद्ध हैं। हर युग में होने वाले संत और नाथ संप्रदाय के प्रतिस्थापक हैं। गुप्त रूप से और हिमालय के योगियों के लिए वे शिव गोरज बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं, आम आदमी के लिए वे गोरखनाथ या गोरखनाथ हैं। जब हम योगानंद के जीवन के विवरणों की ओर ध्यान देते हैं तब बाबा जी के ही
गोरक्षनाथ होने की पुनः पुष्टि हो जाती है। मेजदा नामक पुस्तक में, जो परमहंस योगानंद के छोटे भाई गोरा द्वारा लिखित है और जिनका स्वयं का नाम संत गोरक्षनाथ के नाम पर रखा गया था, हमें योगानंद के शैशव काल की घटनाओं का विवरण मिलता है। मेजदा या योगानंद का जन्म गोरखपुर में हुआ था। उनके जैसे एक अत्यंत उच्च कोटि के संत का इस नगर में जन्म लेना कोई संयोग की बात नहीं थी। इसमें मैं उनका गोरक्षनाथ के साथ गहरा संबंध देखता हूं, जिन्हें आगे चलकर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा में बाबाजी कहा है। गोरखपुर गोरक्षनाथ के भक्तों के लिए एक अत्यंत पावन तीर्थ है, क्योंकि मध्य युग में शिव गोरक्ष बाबा जी की उपस्थिति से यह स्थान पवित्र हुआ था। यह मंदिर भारत में उनका एक प्रमुख मंदिर है, जहां से साधकों को दिव्य विधि विधान, लक्ष्य और आशीर्वाद प्रदान किए जाते हैं। यही वह स्थान था जहां योगानंद ने जन्म लिया और बाबा जी के प्रति अपने सच्चे प्रेम और श्रद्धा के कारण उन्होंने गोरक्षनाथ के इस पवित्रतम मंदिर के स्थान की तरफ चुंबकीय खिंचाव महसूस किया। योगानंद के माता पिता गोरक्षनाथ के बहुत बड़े भक्त थे और उनके मार्गदर्शन एवं आशीष के लिए नियमित रूप से उनके मंदिर जाया करते थे। मात्र 4 वर्ष की आयु में योगानंद ने शिव गोरक्ष बाबा जी की शक्ति और कृपा का अनुभव किया और वे इस पवित्र मंदिर में सर्वव्यापी चेतना के आनंद में लीन हो गए थे। उनका यह अनुभव मेजदा, बांग्ला भाषा में बड़े मंझले भाई का नाम, पुस्तक में कुछ इस तरह दिया गया है। साधारणतया हमारे माता पिता मेजदा को हर रविवार या पवित्र दिनों में पूजा के लिए गोरखनाथ के मंदिर ले जाया करते थे। हालांकि एक रविवार हमारे घर में धार्मिक उत्सव होने के कारण वे मंदिर नहीं जा सके। जैसे जैसे मेहमान घर से जाने लगे, मां को इस बात का भान हुआ कि उन्होंने मेजदा को कई घंटों से देखा नहीं। घर और पड़ोस में खोजबीन की गई, पर उनका कोई पता नहीं चला। अपने पुत्र के स्वभाव को जानते हुए और अंततः इस बात को समझकर मां ने पिताजी से कहा, क्योंकि हम गोरखनाथ के मंदिर में हर रविवार पूजा करने जाते हैं और इस रविवार हम नहीं गए, तो हो सकता है कि मुकुंद वहीं हो। पिताजी और कुछ मेहमान सीधे मंदिर की ओर चले गए। जैसा मां का अनुमान था, मेजदा वहीं थे। वे किसी छोटे साधु की तरह ध्यान में लीन बैठे हुए थे, जबकि सारा परिवार उत्सव का आनंद ले रहा था। वे चुपचाप घर से बाहर निकलकर मंदिर में अपनी प्रत्येक रविवार की उपस्थिति दर्ज कराने चले गए। मंदिर 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर था, जो एक छोटे बच्चे के लिए लंबी दूरी थी। भोर होने को थी। मेजदा ने काफी देर बाद अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ इकट्ठा हुए इतने लोगों को देखकर बड़े चकित हुए। तब उन्हें इस बात का भान हुआ कि वे कहां थे और क्यों सब उनके विषय में इतने चिंतित हो उठे थे। एक मीठी मुस्कान के साथ उन्होंने अपने पिता की ओर देखा और फिर उन्हें यूं परेशान होता देख सिर झुकाकर प्रणाम किया। पिताजी ने गंभीर आवाज में उनसे कहा, अब घर चलो, बहुत देर हो गई है, हम लोग तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थे। गोरक्षनाथ, जिन्होंने योगानंद को इस छोटी सी उम्र में आशीर्वाद दिया था, आगे चलकर उन्होंने ही पश्चिम में क्रिया योग के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान किया, और वे गोरक्षनाथ ही थे जो कालांतर में परमहंस योगानंद की आत्मकथा में महान महावतार बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। संत जो बाबा जी नहीं हैं। संसार भर के सच्चे जिज्ञासुओं के साथ मिलकर मुझे यह बात स्पष्ट हुई कि बाबा जी को लेकर बहुत अधिक संदेह और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जैसा पहले भी बताया जा चुका है कि बाबा जी शब्द का सामान्य अर्थ पूज्य पिता होता है, एवं भारत में बड़े बुजुर्गों को इस नाम से ही संबोधित किया जाता है। अतः सभी संशयों को स्पष्ट करने और इस उलझन से मुक्ति पाने के लिए मुझे इस बात को समझाने की आवश्यकता महसूस हुई कि कौन सच्चे शिव गोरक्ष बाबा जी नहीं है।
या कौन शिव गोरक्ष बाबा जी नहीं हो सकते। बाबा जी हैडाखन प्रथम, ये बाबा जी 1861 में प्रकट हुए और कुमाऊं की पहाड़ियों के बीच हैडाखन नामक स्थान में अपनी लीला की। वे हैडाखन बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। बहुत से लोग यह कहते हैं कि वे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे। महाभारत के महान युद्ध के पश्चात वे चिरंजीवी हो गए और अविनाशी होकर वे आज भी अपने सूक्ष्म या स्थूल शरीर में जीवित हैं। कुछ साधक उन्हें शिव का अंश अवतार भी मानते हैं। 1924 में वे हिमालय में कहीं गुम हो गए और ऐसा माना जाता है कि वे गुप्त रूप से अश्वत्थामा के रूप में वहां विचरण कर रहे हैं। ये वे महाअवतार शिव गोरक्ष बाबा जी नहीं हैं जिनका मैं संदर्भ दे रहा हूं और जो शिव की पूर्ण अभिव्यक्ति है, और ना ही ये वो बाबा जी हैं जिनका उल्लेख योगानंद की आत्मकथा में मिलता है। स्वामी राम ने हैडाखन बाबा की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को सोमवारी बाबा और स्वयं के गुरु बंगाली बाबा के समकक्ष बताया है। अतः इससे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि वे शिव गोरक्ष बाबा जी नहीं हैं, जो अनुपादक हैं, अजर अमर हैं और अनंत शिव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं। बाबा जी हैडाखन द्वितीय। हैडाखन बाबा प्रथम के अंतर्धान होने के कुछ वर्षों पश्चात एक युवा बालक नेपाल से कुमाऊं प्रदेश में हैडाखन बाबा के आश्रम आया और इस बात का दावा करने लगा कि वह इस नए जवान शरीर में हैडाखन बाबा ही है और वह भी अब इसी नाम से जाना जाएगा। दोनों बाबा ने अपना नाम उसी स्थान का रखा जहां वे रह रहे थे, जैसा कि सामान्यतः भारत में किया जाता है। हैडाखन बाबा प्रथम के अदृश्य हो जाने के पीछे कुछ अस्पष्टता बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने दूरस्थ हिमालय की श्रेणियों में महासमाधि ले ली, योग क्रिया के द्वारा स्वेच्छा से अपने शरीर से प्राण निकाल लेना, जबकि कुछ दूसरे यह कहते हैं उन्होंने अपना शरीर रूपी चोला बदल लिया था और एक नया शरीर ग्रहण किया जो इस जवान नेपाली बालक का शरीर था। इस युवा सिद्ध ने अपने जीवन लक्ष्य के दौरान कई चमत्कार किए। उसे सच्चे अनश्वर बाबा जी के रूप में अत्यंत श्रद्धा और सम्मान मिला, परंतु वर्ष 1984 में उसकी मृत्यु हो गई। वह एक अंश अवतार या बाबा जी का ही एक रूप हो सकता था, लेकिन इस बात पर संशय की छाया आ गई जब वह परलोक सिधार गया। हैडाखन बाबा के लौकिक रूप से अस्तित्ववान होने के ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं, परंतु उनकी मानवीय मृत्यु हुई, अतः यह स्पष्ट है कि वे अनश्वर महाअवतार बाबा जी नहीं हैं। गोरख बाबा के नाम से भी प्रचलित ये संत हिमालय के कुमाऊं प्रदेश में रहते हैं। श्री बाबा जी नामक पुस्तक से विख्यात हो जाने पर कभी कभी उन्हें श्री बाबा जी भी बुलाया जाता रहा है। श्री बाबा जी पुस्तक में यह लिखा है कि गोरख नारायण का एक नाम शिव गोरक्ष बाबा जी भी है। यह योगी गोरख नारायण हो सकता है कि शिव गोरक्ष बाबा जी के नाम से जाने जाते हो, लेकिन यहां मैं आपको यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये वो प्रसिद्ध गोरक्ष बाबा जी नहीं है जिनका संदर्भ मैं इस पुस्तक में दे रहा हूं, और न ही वे योगानंद की आत्मकथा वाले बाबा जी ही हैं। गोरख नारायण ने यह बताया है कि वे अपने पूर्व जीवन में कृपाचार्य थे जो महाभारत युद्ध के काल में जीवित थे। शिव गोरक्ष बाबा जी जिनका मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं स्वयं भगवान शिव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। महाभारत युद्ध के दौरान दिव्य महावतार बाबा जी ने कुंती के 6 दिव्य पुत्रों के जन्म का आशीर्वाद दिया था। वे किसी युद्ध के बखेड़े में फंसने से खुशो दूर थे। इसके विपरीत वे महाभारत युद्ध के मौन दर्शक एवं दिव्य साक्षी थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये वे कृपाचार्य नहीं थे
जिन्होंने पांडव और कौरव वंश के बीच हुए महाभारत युद्ध में भाग लिया था। गोरख नारायण हिमालय के अन्य योगियों की तरह एक आश्रम में रहते हैं, जहां तीर्थयात्री एवं पथिक उनसे आसानी से मिलकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। जिन बाबा जी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, शिव गोरख बाबा जी एक दिव्य सत्ता है, जिनसे मिलना तभी संभव है जबकि स्वयं वे ऐसा चाहें। यहां तक कि अपने लौकिक रूप में भी जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है वे अभिव्यक्त हो जाते हैं, लेकिन सदा ही केवल मार्गदर्शन या जगत के क्रमोत्थान को प्रोत्साहित करने के लिए ही, अथवा बेहद दुर्लभ परिस्थितियों में विशिष्ट व्यक्तियों को दर्शन देते हैं। यह मिलन अत्यंत व्यक्तिगत, अत्यंत शक्तिशाली और अभूतपूर्व रहस्य से भरा होता है। बाबा जी नागराज। हम दक्षिण भारत के कोई संत बाबा जी नागराज के ऐतिहासिक अस्तित्व को पहचान देने के लिए पूरी निष्ठा से कोशिश कर रहे हैं। हमने तमिलनाडु के तंजावुर नगर में सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय में उनके नाम की खोजबीन की। ऐसा कहा जाता है कि इस संत ने वहां जन्म लिया था। तमिलनाडु के विभिन्न भागों में जांच पड़ताल और शोध किए गए, जिनमें सित्तरगिरी भी शामिल है, परंतु अब तक हमें बाबा जी नागराज के अस्तित्व से संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्य मिलना शेष है, केवल एक आधुनिक मंदिर को छोड़कर जो उनके नाम पर स्थापित और आधारित है। परंतु यह मंदिर एक ऐसे आदमी की निजी जमीन पर बना हुआ था जिसने बाबा जी नागराज और क्रिया योग पर उनकी पुस्तक के विषय में लिखा था। यह कुछ अजीब सी बात लगती है कि बाबा जी नागराज को वास्तविक बाबा जी का नाम परमहंस योगानंद की महासमाधि के बाद दिया गया, एवं तब नहीं जबकि वे जीवित थे। यदि ऐसा किया जाता तो यह अच्छा होता, क्योंकि तब योगानंद इस दावे का समर्थन करते और इसे आशीर्वाद देते कि उनकी आत्मकथा के बाबा जी और दक्षिण भारतीय बाबा जी एक ही व्यक्ति हैं। परंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे अधिक और क्या कहा जाए कि तमिलनाडु के वासियों को भी बाबा जी नागराज के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है, जबकि वे दूसरे तमिल सिद्ध हो जैसे तिरुमुलार, बेगारनाथ, संबंधधार, करुण सिद्ध और रामलिंग स्वामी के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। बाबा जी नागराज का क्रिया योग भी वास्तविक क्रिया योग से मेल नहीं खाता है। हालांकि सभी योग, चाहे वे पुरातन हो या नव आविष्कृत हो, अच्छे ही होते हैं। मैं यहां सिर्फ इसलिए अंतर कर रहा हूं ताकि लोग उसी योग का अभ्यास करें जिसका अभ्यास करने का उनका इरादा हो, न कि किसी और योग का अभ्यास। जहां तक बाबा जी नागराज के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य मिलने का प्रश्न है, हमें अब तक तमिल सिद्धों के परिप्रेक्ष्य में इस नाम के किसी भी संत का कोई भी संदर्भ या सबूत नहीं मिला है। बाबा जी नागराज की खोज में हम एक छोटे नगर सित्तरगिरी पहुंचे। इस नगर का नाम 18 दक्षिण भारतीय सित्तरों या सिद्धों की परंपरा के विरासत पर बिल्कुल ठीक रखा गया था। हमने वहां 18 तमिल सित्तरों की मूर्तियां देखी, परंतु बाबा जी नागराज का नाम कहीं भी उल्लेखित नहीं पाया। हालांकि उन 18 मूर्तियों के ठीक बीच में एक मूर्ति के चरणों के पास हमने फूल गिरे देखे, जो उसे उनका प्रमुख या उनका गुरु होना बता रहा था। जैसा कि हमें मंदिर के महंत ने बताया कि यह मूर्ति शिव गोरख बाबा जी की थी, जो हिमालय से ऋषि अगस्त्य और सुंदरनाथ के साथ उत्तर भारत से योग के ज्ञान को दक्षिण तक लेकर आए। नेपाल में एक कथा है जिसके अनुसार शिव गोरख बाबा जी ने एक बार स्वयं को नागाओं के आध्यात्मिक राजा के रूप में प्रकट किया। किसी पुराने अवशेष में वे समाधि के मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जिसमें वे 9 नागों से बने योग के सिंहासन पर विराजमान हैं। अतः भारत के कुछ प्रदेशों और नेपाल में शिव गोरख बाबा जी को नागराज के नाम से भी जाना जाता है। अतः सित्तरगिरी के 18 सित्तरों के सिद्ध को देखकर
इस बात की पूरी संभावना लगती है कि शिवगोरश बाबा जी के नागराज नाम की प्रसिद्धि दक्षिण भारत तक भी अवश्य पहुंची होगी। अतः नागराज तो शिवगोरश बाबा जी की महजिक उपाधि है। इसके अलावा दूसरी शताब्दी में नागार्जुन नामक एक दिव्य रसायनविद का उल्लेख मिलता है जो शिवगोरश बाबा जी का शिष्य था और वह भी उत्तर भारत से आया था। क्या हो सकता है कि नागार्जुन की प्रसिद्धि दक्षिण भारत तक पहुंची हो और उसे ही कालांतर में नागराज कहा गया हो? यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि यदि किसी बाबा जी नागराज नाम के मनुष्य ने तमिलनाडु में पैदा होकर वहां जीवन यापन किया भी हो, तब भी उसका जन्म एक मानवीय जन्म माना जाएगा और इसलिए वह अनश्वर महावतार बाबा जी नहीं हो सकता, जिनका उल्लेख एक योगी की आत्मकथा पुस्तक में आता है और जिनके विषय में मैं यहां बतला रहा हूं। अनादि अनंत बाबा जी के साथ मेरी प्रथम भेंट। अच्छे बाबा जी ने अपार करुणावत होते हुए अपने अविनाशी तत्व का एक अत्यंत सूक्ष्म अंश इस लौकिक जगत में अपने पीछे छोड़ दिया है। वे उन चुनिंदा श्रद्धावान लोगों के लिए सदा उपस्थित रहते हैं जो प्रकाश के रक्षक हैं, जो क्रिया योग के संदेश को ज्वलंत बनाए रखने की हिम्मत करते हैं जिससे जगत को आत्मज्ञान प्राप्त हो सके। मैं खुद को अत्यंत सम्मानित महसूस करता हूं कि मैं उन महान योगियों और संतों के पावन पदचिन्हों पर चलने योग्य हुआ जो मेरे समक्ष प्रकाशमय संजीवन देहों में चले गए, जो बुलंद हिमालय में अंतिम सत्य की खोज में चले गए। जब मैं उस अवर्णीय सत्ता जिन्हें बाबा जी कहते हैं तक पहुंचने की अपनी यात्रा में थोड़ी देर का विराम लेने लगा, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा मन अपनी सीमाएं छोड़ रहा है और मैं यह बता पाने में असमर्थ था कि कब मेरा शरीर मेरा मन बन गया और कब मेरा मन मेरी चेतना में एक हो बहने लगा। पूर्व कर्मों के छोटे छोटे टुकड़े जिनसे मिलकर मेरा शरीर मन और आत्मा बने थे, सब एक जागरण में घुलते जा रहे थे, जिससे मुझ में यह ज्ञान उतर आया कि चैतन्य के स्तर पर पदार्थ और मन उस चैतन्य के विशुद्ध प्रज्ञा के अधीन होते हैं। यह वर्ष 1967 की बात है जब मैंने इस महान सत्ता से मिलने के लिए अपनी यात्रा और खोज प्रारंभ की। वे अनामिक हैं परंतु लोग उन्हें बहुत से नामों से पुकारते हैं। वे प्रकट अप्रकट होकर मानव जाति की रक्षा करते हैं। ऐसी रहस्यपूर्ण उपाधियां आजकल के तार्किक लोगों को उलझन में डाल देती है और इसी कारण परम पावन की ओर मैं अपनी इस तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। जब मैं हिमालय के अत्यंत दुर्लभ स्थानों पर पहुंचा, तब उन स्थानों की व्यापकता ने मेरे मन को सीमाहीन बना दिया, जिससे मुझे बाबा जी की उपस्थिति का ज्ञान हुआ, जो मानो मुझसे कह रहे थे, मैं सर्वत्र हूं, मैं कहीं भी नहीं हूं और मैं अभी यही हूं। ढलते सूरज की धूप में परछाइयां लंबी हो गई थी। सूर्य के स्वर्णिम उजाले से पृथ्वी मानो स्वच्छ हो रही थी। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाया, तारे जगमगा उठे और पहाड़ों पर वास करने वाले योगियों ने संध्या समय की अपनी अग्नि प्रज्वलित कर ली। रात में चमकते हुए तारे न जाने कितने ही पुरातन ऋषियों की कहानियां अपने में समेटे हुए हैं। जब मैं अपने आधे फटे हुए स्लीपिंग बैग पर आराम करने के लिए लेटा, मैंने रात्रि के आकाश की ओर देखा जो हिमालय में बहुत निर्मल हुआ करता है। वहां मैं सप्त ऋषियों को देख सकता था जो इतने पुरातन है कि मुझे आश्चर्य होता है कि उनकी जीवनियां किसने लिखी होंगी। अपनी ही सोच में मगन मैंने भारत की आध्यात्मिक विरासत का विचार किया, जिसमें सप्त ऋषियों में से हर एक तारे की जीवनी लिखी हुई है। क्या आप जानते हैं कि रात्रि में जब आसमान कुछ नीचे दिखाई पड़ने लगता है, तब उसके साथ ईश्वर भी हमारी आत्माओं के समीप प्रतीत होने लगता है।
और जैसे ही मैंने आसमान के भीतर झांका, मेरी आंखें सप्तऋषि के अंतिम से एक पहले वाले तारे पर अटक गई। ये प्राचीन ऋषि वशिष्ठ थे, जिनके साथ एक छोटे तारे के रूप में उनकी निष्ठावान पत्नी अरुंधति थी, और जबकि सारे बाकी सप्तऋषियों की पत्नियां उन्हें छोड़कर चली गई, यह दिव्य जोड़ा आपस में एक दूसरे के विश्वसनीय बने रहे। इसलिए भारत में हर विवाह के उपरांत शादीशुदा जोड़ों को इन दोनों के दर्शन कराए जाते हैं। जीवन भर एक दूसरे के प्रति विश्वास पात्र बने रहने की शपथ याद दिलाने हेतु अत्यंत सूक्ष्म दृष्टिकोण यह बताते हैं कि भारतीय संस्कृति की पुरातनता प्रागैतिहासिक काल की रात्रि में उद्भूत हुई। महान भारत भूमि की गहनता और दर्शन से अचंभित मैंने जल्द ही स्वयं को तारों के शामियाने के नीचे खर्राटे भरते हुए पाया। लेकिन जरा एक मिनट ठहरिए, क्या यह मेरे ही खर्राटे थे या फिर कोई जंगली जानवर झाड़ियों के पीछे अपने भोजन की तलाश में घुरघुरा रहा था? जल्दी मैंने यह पाया कि जबकि मेरा शरीर सोया हुआ था और खर्राटे मार रहा था, मेरा मन पूर्ण रूप से जागृत था। यह एक प्रकार की समाधि की अवस्था होती है, और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा था कि जब मेरा शरीर निद्रा में लीन था और मेरा मन जागृत था। मेरी अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, जागृत या निद्रा में, मैं अब भी उस प्रकट अप्रकट रक्षक को तलाश रहा था, उनके दर्शन का प्यासा था। मैं उस समय जिस स्थान पर सोया हुआ था वह रुद्रप्रयाग में था। प्रयाग का अर्थ दो नदियों का पवित्र संगम होता है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल एक ऐसा ही संगम है जो स्वयमेव महान हिमालय स्वरूप भगवान शिव की सफेद जटाओं से बहती धारा का प्रतीक है। यह तीर्थ संगीत के ज्ञान के लिए जाना जाता है, जो भगवान शिव ने देवर्षि नारद को प्रदान किया था। स्मरण रहे कि अब हम गढ़वाल क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, जिसका अर्थ देवों की भूमि होता है। बहुत से योगी और संत इन पवित्र स्थानों में तप और ध्यान साधना करते हुए भगवत प्राप्ति में सफल हुए हैं। लोग यह नहीं समझ पाते कि मेरे भीतर बाबा जी से मिलने की चाहत कैसे पैदा हुई। इसका उत्तर यह है कि इच्छा तो योगी के स्मृति कोष में जन्म से ही संग्रहित और संकुचित रहती है, और सही समय आने पर वह इच्छा कर्म रूपी फल में बदल जाती है। परंतु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दिव्य गुरु के आशीषों के फलस्वरूप ही इच्छाएं फलित होती है, और इस प्रकार कुछ तो पैदल और कुछ दूसरों की सवारी पर मैंने बद्रीनाथ की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। जब मैंने हिमालय के उतंगू पर्वत श्रेणियों को देखा, तब मेरा हृदय भी एक ऊंची उड़ान भरकर उन्हें प्रणाम करने लगा। बचपन में मुझे यह बताया गया था कि नाथ योगियों की पुरातनता स्वयं हिमालय जितनी पुरानी है, और नाथ योगी ही हिमालय की श्रृंखलाओं के सच्चे रक्षक हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वे इतने पुरातन हैं कि कालांतर में उनके स्थूल शरीर प्रस्तरीभूत होकर पर्वत हो गए, और मेरे लिए तो वे उसी पर्वत का रूप थे जो मेरे सामने था। केदारनाथ का विशाल पर्वत ऐसा ही था मानो भगवान शिव किसी दिव्य योगी के रूप में तपस्या में लीन हो। ठीक ऐसा ही तुंगनाथ पर्वत के साथ भी है, जिसका अर्थ बलवान भुजाओं वाले शिव है। फिर जब मैं कल्पनाथ में कुछ देर ठहरा, मैंने शिव की जटाओं को समूची पर्वत श्रृंखलाओं और कंदराओं में व्याप्त देखा, मानो एक योगी गहन ध्यान में लीन हो। अतः हिमालय का हर एक बुलंद पर्वत एक पवित्र तीर्थ है, और एक ऐसे ध्यानस्थ ऋषि का प्रतीक है जो समयांतर में अचल हो गया है। फिर वह मद महेश्वर था, जो शिव के मध्य उदर स्थान का प्रतीक है, और रुद्रनाथ उनके मुख का प्रतीक है। ये पांच तीर्थ पंच केदार का निर्माण करते हैं, और ये पांच अत्यंत महान नाथ योगियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, जो स्वयं भगवान शिव से उद्भूत हुए थे। पूरा वातावरण एक गहन ध्यान था, जिसका मैं भी एक हिस्सा हो गया था।
शंकुधारी वृक्षों की अद्भुत सुगंध मेरे लिए बह रही थी और उन वृक्षों से गिरे हुए फल अनजाने में मेरे पैरों तले दबे जा रहे थे। मुझसे होकर गुजरता हुआ पहाड़ी हवा का एक झोंका मुझे मानो यह प्रेरक संदेश दे गया कि आत्मा अमर है और शरीर एक नाव है जो हमें माया के सागर से आत्मज्ञान की मंजिल तक ले जाता है, कि हम यह नश्वर नासी देह नहीं बल्कि अलख निरंजन अविनाशी हैं। महान ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के पोते और पुरातन सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भरत पड़ा। वशिष्ठ और विश्वामित्र सप्त ऋषियों में से एक हैं। भारत का अर्थ उस भूमि से है जिसके लोग आत्मा के प्रकाश ज्ञान से एक सूत्र से बंधे हुए हैं, और इसलिए मैंने चलना और स्नान करना तब तक जारी रखा जब तक मैं शिव और पार्वती की पवित्र लीला स्थली बद्रीनाथ तीर्थ तक पहुंच नहीं गया। एक पुरानी कहावत के अनुसार ऋषि नारायण को बद्रीनाथ तीर्थ स्थान बेहद पसंद आ गया और वे उसे अपना स्थान बनाना चाह बैठे, परंतु क्योंकि शिव ने उनकी इस इच्छा को नजरअंदाज कर दिया इसलिए ऋषि नारायण ने हिमालय में खोए हुए शिशु का रूप धारण कर लिया। इस अनाथ बालक को देखकर माता पार्वती का मातृत्व प्रेम जागा और उन्होंने उस बच्चे का पालन पोषण किया। तब शिव ने करुणावत होकर नारायण को बद्रीनाथ में रहकर अपनी लीला और ध्यान साधना करने का आशीर्वाद दिया। यहां जगत के कल्याण हेतु भगवान नारायण और नर ध्यान साधना में स्थित हैं। वे ही क्रमशः कृष्ण और अर्जुन हैं, पर गुप्त रूप से दिव्य अलौकिक सत्ता कृष्ण नारायण ध्यानस्थ हैं। नर के उत्थान और कल्याण के लिए जो समूची मानवता का प्रतीक है। शीत ऋतु में हिमालय की बर्फ से ढका रहने वाला भगवान नारायण को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर 11,397 फीट की ऊंचाई पर है। यह मंदिर 3,900 फीट से भी ज्यादा ऊंचे भगवान शिव को समर्पित भव्य नीलकंठ पर्वत के बगल में स्थित है। नीलकंठ पर्वत की हिमाच्छादित चोटी ज्यादातर बादलों से ढकी रहती है। सोनारसुली और नारायण पर्वतों से घिरे नीलकंठ पर्वत की चोटी मेघरहित दिनों में बर्फीले हीरे की तरह दिखती है। ऐसे ही एक साफ आसमान वाले दिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो नीलकंठ स्वरूप बाबा जी, नारायण स्वरूप कृष्ण और नर स्वरूप अर्जुन मेरे समक्ष पूरी भव्यता के साथ खड़े होकर संसार पर आशीषों की वर्षा कर रहे हैं। मैं जलवायु के अभ्यस्त होने के लिए कुछ दिन बद्रीनाथ में रुक गया। अपने प्रवास के दौरान मैं ध्यान साधना करने के लिए मंदिर जाया करता था। भारत में शिव मंदिरों को छोड़कर हम सभी मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, इस क्रिया को प्रदक्षिणा करना कहते हैं। ऐसे ही एक परिक्रमा के दौरान मैंने एक अत्यधिक विस्मित कर देने वाली प्रेमास्पद कलाकृति देखी जो किसी महान सिद्ध योगी का चित्र था। उनके गुथे हुए बालों की लटी बर्फ से ढकी थी और थोड़ी बर्फ उनके माला के हर रुद्राक्ष पर भी थी। हां, यही तो थे वे भव्य राजा सुंदरनाथ, जिनका चित्र सिंहगढ़ पुणे में मेरे भूमिगत ध्यान कक्ष में है। इस दिव्य योगी के सम्मान में मैं विस्मित सा खड़ा रहा जो गोरखनाथ की वंशावली के सिद्ध योगी हैं। सन 1924 में राजा सुंदरनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महंत पद पर आसीन थे जो नाथ योगियों के धर्मनाथ उप संप्रदाय के अंतर्गत आता है। सुंदरनाथ वह योगी हैं जो एक दक्षिण भारतीय ग्वाले के शरीर में प्रवेश कर सिद्ध तिरुमुलार बने एवं प्रसिद्ध योग ग्रंथ थिरुमंदिरम की रचना की। पर्वत के समीप स्थित थी। जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वह पहले से तैयार रास्ता था जिस पर से स्थानीय योगीगण अक्सर आते जाते थे। जैसे जैसे बाबा जी के उस रहस्यमय स्थान को जाने वाला रास्ता और ऊंचा होता चला गया, वैसे वैसे मेरी चेतना गहन होकर एक बिल्कुल नए आयाम में प्रवेश करती गई जिसमें मैं अपने मन से ज्यादा अपनी चेतना के प्रति जागृत हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं एक दूसरी ही दुनिया, एक आदर्श लोक में प्रवेश कर रहा था। आप कह सकते हैं कि यह एक तरह का
सांग्रीला था, जिसका सही उच्चारण है सांभाला या संबलपुर है। अब मन और चैतन्य के बीच की सीमा रेखा मिट चुकी थी। अब मैं एक दूसरे लोक के नए आयाम में बढ़ता चला गया, परंतु जैसे ही मैं आगे चलने को हुआ, मुझे पीछे देखने की प्रबल इच्छा हुई। और क्या देखता हूं, वहां कोई 12 से 14 साल की एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने घाघरा चुन्नी पहनी हुई थी। यह एक अलौकिक सी दिखने वाली बालिका थी, जिसके भीतर बाहर दिव्य प्रकाश का तेज चमक रहा था। वह इसी दुनिया की प्रतीत हो रही थी, परंतु फिर भी मानो इस दुनिया से परे स्थित थी। वह इतने आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी जैसे सारा जगत और साथ ही साथ पृष्ठभूमि में चहु और व्याप्त हिमालय उसी का हो। जब मैंने उसे देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मैं 2 बरस का बालक हूं। और मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, हिमालय के इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वह मुझे देखकर मुस्कुराई और मुझे एक बार फिर लगा मानो मैं 2 बरस का बालक हूं। तब मुझे यह ख्याल आया कि क्या मैं यह सवाल एक सही व्यक्ति से कर रहा हूं, और मन को इस बात की अनुभूति हुई कि वह कन्या रूप में दिव्य माँ ही थी। उसकी काली भेदक आंखें हिमाचल के सेब की तरह, उसके गुलाबी गाल और उसके कंधों के पीछे लहराते गहरे काले बाल मुझे यह बता रहे थे कि वह दिव्य माँ ही थी। परंतु मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जो भी हो, मैंने उससे बातें करना जारी रखते हुए पूछा, क्या तुम्हें बाबा जी की गुफा का रास्ता मालूम है? सीधे से मेरी बात का जवाब न देते हुए, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, वह कहने लगी, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। देखो मैं कितनी प्रसन्न हूं, तुम भी मेरी तरह प्रसन्न रहो। अतः मैंने सोचा कि यदि यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती तो मैं भी इससे रास्ता क्यों पूछूं। तो मैंने अपनी चिंताओं को हवा में उड़ाते हुए स्वयं से यह कहा, मुझे वहां जाना चाहिए जहां यह हवा मुझे ले जाए। यदि किसी भी बात के कोई मायने नहीं है, तब क्यों ना वहां जाए जहां यह हवा हमें ले जाए। अतः मैं हवा की दिशा में चल पड़ा। मैं उस ओर चल पड़ा जहां वह मुझे ले जा रही थी। मैं निश्चित ही अपनी मन बुद्धि में नहीं था। मुझे मेरे शरीर, मन और चेतना के बीच के संबंध का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं भक्ति भाव या तार्किक किसी भी प्रकार की अवस्था में नहीं था। जैसा कि मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की है कि जब मन अपनी सीमाएं छोड़ने लगता है, तब पूर्व और वर्तमान जीवन के बीच की सीमाएं भी टूटने लगती है और शरीर, मन और आत्मा के बीच के बंधन मिटने लगते हैं। यही कारण है कि बाबा जी अच्छे वर्तमान हैं। जब कोई उनकी उपस्थिति का कृपा पात्र बनता है, तब भूत, वर्तमान और भविष्य अभी यहीं की चेतना में घुलने लगते हैं। कुछ कदम चलने के बाद मैंने पीछे देखा तो हिमालय की वह कन्या मेरी दृष्टि से ओझल हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनके चरण कमलों को छूकर बाबा जी से मिलने की अपनी आगे की यात्रा का आशीर्वाद लेने का मौका खो दिया। इस बात से मेरे मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई थी। बाबा जी सदा ही माता जी के साथ आया करती हैं, जैसे शिव और शक्ति। यह एक प्रकार की पूर्व सूचना थी और एक अच्छा शगुन था कि निकट भविष्य में मैं अचिंत्य बाबा जी से मिल सकूंगा। मैंने लगभग 3 दिनों से भोजन नहीं किया था, फिर भी मेरी संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली उच्चतर आयामों के साथ पूरा तालमेल बनाए हुए थी। मुझे स्मरण है कि इस घटना के बाद एक दूसरी कन्या आई और पेड़ के तने के बीच में से मुझे चबाने के लिए कुछ दिया, और जैसे ही मैंने उस लेटेक्स जैसी चीज को चबाया, मेरी श्वास, जो एकदम भारी चल रही थी, बिल्कुल हल्की हो गई। मेरे जोड़ों की थकान मिट गई और मैं पुनः ताजादम हो गया। इस दूसरी कन्या ने, जो उसी दिव्य कन्या की सहचरी थी जिससे मैं पहले मिल चुका था, पहली भेंट की विशिष्टता को समझने में मेरी सच्ची मदद की। यह तो उन दिव्य माँ के चले जाने के बाद ही मुझ पर यह प्रकट हुआ कि वे दिव्य माता जी का ही एक रूप थी, जो मेरे कदमों को
बाबा जी की गुफा तक ले जाने में मार्गदर्शन कर रही थी। मैं उनसे और भी अधिक आशीष न ले पाने पर एक ही समय में अत्यंत हर्षित और मायूस हुआ। हालांकि मैंने बाबा जी की गुफा की ओर अपनी चढ़ाई जारी रखी। जो कहां थी इसका पता खुद मुझे भी नहीं था। अपनी लयबद्ध चाल से चलते हुए मेरे कदमों ने किंचित गति पकड़ ली। मेरा विश्वास और अटल हो गया कि बाबा जी ही साक्षात शिव हैं। मेरे माथे से टपकते हुए स्वेद की बूंदें मेरी आंखों को भिगो रही थी, जबकि मेरे चारों ओर ठंडी बर्फ थी। मैं अत्यधिक गर्मी महसूस कर रहा था। मैं थक चुका था, लेकिन मुझमें अपरिमित उत्साह और हर्ष हिलोरे मार रहा था। मैंने गुफा के पास से निचले पर्वतों से लेकर समूचे हिमालय की श्रृंखला को देखा। पर्वतों का यह दृश्य अत्यंत लुभावना था और पर्वतों की कड़ियों की यह चित्रमाला देखकर ऐसा लगा मानो मैं शिव के अट्ठास को देख रहा हूं। हर एक चोटी मानो उनके श्वेत दंत की भांति सूर्य की तिरछी किरणों में चमक उठी थी। मुझे एक झटके में यह समझ आने लगा कि यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, यह तो पावनतम तीर्थ यात्रा थी, जहां संसार की सभी आत्माएं प्रभु प्रेम में एक होने के लिए मिलती है। क्या इसका यह अर्थ था कि मुझे बेमौसम किसी गुप्त सभा के लिए बुलाया गया था जिसमें कि दूसरे सदगुरु उपस्थित नहीं थे? कालांत होकर मैं थोड़ा आराम करने के लिए गुफा के नीचे की ढलान पर पीठ के बल लेट गया और कल्पना करने लगा कि मैं उस ढलान से उड़कर हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के ऊपर बादलों से परे मनुष्यता के इतिहास की एक सबसे बड़ी पहेली है। वे क्या थे, यह बात मेरे ही मुख से निकलवाने की बाबा जी की मुझ पर कृपा थी। निश्चित ही एक पूर्व जीवन का संबंध था, जहां वे अपने अकर्म अस्तित्व से मेरे स्मृति कोश में निहित पूर्व जन्मों के कर्मों को बाहर निकाल रहे थे। वहां उन्होंने मेरे भीतर से उत्तर आने की प्रतीक्षा की। मैंने कहा, आप कौन हैं? मैं जानता नहीं, और फिर भी मैं आपसे ही हूं। उन्होंने कहा, जो तुम मुझे समझो तुम्हारे लिए मैं वही हूं। मैं वही हूं जो मैं हूं। वे अस्तित्व विहीन थे, निरहंकारी, निराकार, अक्षय, अजापुरुष। जहां तक मानवीय समझ का सवाल है, उनकी कोई भी पहचान नहीं हो सकती। जब मैं गुफा के बाहर एक पहाड़ की ढलान पर लेटा हुआ था, मैंने पाया कि एक अनजानी लहर मेरे सिर के ऊपर से लेकर मेरे पैरों के अंगूठे तक चल रही थी। यह एक किस्म की शक्ति और उष्मा की धारा थी, एक शीतलहर थी जो नीचे मेरे पैरों से लेकर मेरे सिर के ऊपर तक दौड़ रही थी, और उष्मा की लहर सिर के ऊपरी भाग से लेकर पैरों तक मेरे शरीर को शुद्ध कर रही थी। यह ऐसा था मानो मैं सुषुम्ना पथ में क्रियायोग श्वास ले रहा था और शुद्ध हो रहा था। मैंने सोचा कि 10 या 11 घंटे के ध्यान अभ्यास के पश्चात इंसान की नाड़ी इतनी शुद्ध हो सकती है कि वह उनके दर्शन कर सके। मेरी आवाज में ही उन्होंने उत्तर दिया, यह सत्य है, पर तुम्हें अभी उच्चतर समाधि की अवस्थाओं में जाना है जिन्हें तुमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। तुम्हें आत्मज्ञान की यह दिव्य अवस्था तुम्हारे पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों एवं कर्मों के कारण दी जा रही है, अतः ये तैयारी तुम्हारे मस्तिष्क और शरीर के लिए जरूरी है। इस शीत और उष्मा के अनुभव के कारण मैं अशरीरी अनुभूति में था, और इसलिए मुझे समय का कुछ भी पता ना चला, और मैं नहीं जान पाया कि यह प्रक्रिया कितनी देर तक चलती रही। वहां आकाश और काल दोनों ही नहीं थे, मैं तो बस बाबा जी की कृपा स्वरूप उस अलौकिक प्रकाश और आनंद में लीन हो गया था। मैं अपने शरीर से अर्थात अपने अन्नमय कोश से बाहर निकलकर अपनी भावनात्मक देह अर्थात प्राणमय कोश में व्याप्त हो गया। फिर मेरे प्राणमय स्वरूप ने अपने बौद्धिक अर्थात मनोमय कोश में विस्तार पाया। फिर मनोमय कोश से मैं अपने आत्मचेतना स्वरूप ज्ञानमय कोश में विस्तृत हो गया। यहां पर आकर मेरी आत्मा अपना शगुन स्वरूप छोड़
अपने मूल निर्गुण स्वरूप में विराट होने लगी। यही था मेरा आनंदमय कोश। यहां पर मैंने अपने आप को पूरी सृष्टि जितना विराट पाया। सर्वनिर्मिति का मैं साक्षी था। मैं सर्वधि साक्षीभूतम स्वरूप था। यह पूरी प्रक्रिया मानो मेरे आध्यात्मिक परिवर्तन के विविध स्तर थे, जिसके कारण मेरे अस्तित्व का सूक्ष्म विस्तार हो रहा था। यह घटना पदार्थ की स्थूल परतों से सूक्ष्म की ओर चेतना का ऊर्ध्वगमन होना था। जहां क्रम संकुचित चेतना पंचभूतों से निर्मित स्थूल शरीर से सूक्ष्म आकाशीय तत्व में उन्मत हो रही थी, और इसके बाद भावनाओं से निर्मित प्राणमय शरीर में उसका उत्थान हो रहा था। निश्चित ही भावनाओं का पर्याप्त शुद्धिकरण किया जाना चाहिए और व्यक्ति की चेतना के लिए उस शरीर की इच्छाओं की पूर्ति कर दी जानी चाहिए, ताकि भावनात्मक देह से विरत करके उसे मनोमय कोश में प्रविष्ट कराया जा सके, जो कि अपने समस्त वैचारिक स्वरूपों तथा मानसिक प्रक्रियाओं से निर्मित है। यह योग मेरे भीतर मृदु विस्फोटों के एक क्रम के द्वारा घटित हो रहा था, और यह मेरी चेतना में एकदम ताजा बना हुआ है कि हर बार जब भी मैं उन्नत हुआ, जैसे जब मैं स्थूल से प्राणमय कोश में पहुंचा, मेरी समझ का विस्तार हुआ, और फिर जब मैं सूक्ष्म प्राणमय कोश से मनोमय विचार कोश तक गया, मेरी चेतना का विस्तार हुआ। जब मैं अपने मनोमय कोश से विज्ञानमय और आनंदमय कोश तक पहुंचा, तब मेरी चेतना इतनी विस्तृत हुई कि मैं अस्तित्व की क्रियाशीलता में सम्मिलित हो पा रहा था और स्वयं को चिड़ियों में, पेड़, बादल और आसमान में महसूस कर पा रहा था। पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे और आकाश गंगाएं मैं था, और ये सब मेरी सांस से सांस ले रहे थे और जीवंत हो रहे थे। सूर्य की किरणें मैं था। अनेकता में यह एक महान एकता थी। इन सब के होने और मेरी इन सब से गुजरने के बाद ही मैं उस संदेश को समझ पाया और अपने में समा पाया, जो मुझे उस नाम रहित सत्ता से मिला, जिन्हें पूरा संसार बाबा जी के नाम से जानता है, और जिन्हें मैं अपने पूर्व संपर्कों के कारण शिव गोरक्ष बाबा जी के नाम से जानता हूं। सब कुछ मेरे भीतर था और मैं सबके भीतर था। मेरे सच्चे स्व, मेरे चेतन दृष्टा ने स्वयं को पदार्थ के स्थूल परतों से प्रकाश के सूक्ष्मतम आवरणों की ओर पुनः देखना शुरू कर दिया। बाबा जी की कृपा से ही उस क्षण इंद्रिय विषय और विकारों से विशुद्ध चेतना अकलंकित एवं सुरक्षित थी, और अब जबकि मैं प्रकृति में निहित दिव्यता का अनुभव कर पा रहा था, यह सब अभी भी दिव्य मन के द्वारा ही घटित हो रहा था, जो सविकल्प समाधि की एक अवस्था थी। और तब, जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया है, अस्तित्व विहीन परम अस्तित्व बाबा जी की उपस्थिति के कारण ही मैंने प्रकाशमान शरीर की सूक्ष्मतम परत आनंदमय कोश का अतिक्रमण कर दिया, जो स्वयं में स्वयं क्रम संकुचित होकर एक प्रकाशमान तारा बन गया था। मैंने अपने दिव्य सहचर स्वरूप उस तारा द्वार को पार कर लिया, जब मेरी आत्मा उस अस्तित्व विहीन परम अस्तित्ववान सत्ता के अवर्णनीय परमानंद में विस्तृत एवं लीन हो गई, जहां सब कुछ कुछ नहीं था और कुछ नहीं सब कुछ था। सब कुछ परम और आनंद स्वरूप था। परम चेतना का आनंद, शांत स्वरूप, अबाधित, यही थी निर्विकल्प समाधि की उच्चतम अवस्था, जिसे योग की भाषा में असंग प्रज्ञात समाधि भी कहा जाता है। काफी समय बाद उनके साकार और निराकार स्वरूप का अनुभव कर यह आत्मा अपने आप में लौटी, तब मैंने सोचा, हे नाथ, ब्रह्मांड मेरी चेतना में पानी का एक बुलबुला है और मेरी चेतना शून्य है आपकी परम शून्यता में। ऐसा है आपका अकथनीय ऐश्वर्य, जिसे मनुष्य और देवता भी नहीं समझ सकते। हे देवाधिदेव, आप समस्त दिव्यता के जनक हैं और फिर उससे भी परे हैं, जिनके विषय में कुछ भी न कहा जा सके, उन्हें तो केवल परब्रह्म ही समझ पाया है। ये संदेश शब्दों में नहीं था, ये प्रकाश अणुओं में था। उनका संदेश मुझ तक प्रकाश स्फुलिंगों, अणु
और प्रकाश बाणों के रूप में आया। आप इसे जो भी कहना चाहें, मैं नहीं जानता, मैं शब्द नहीं जानता, पर ये मुझ तक इतनी तेजी से आए कि इनमें बड़े बड़े खंड समाहित थे। उन प्रकाश अणुओं में मानवता के लिए संदेश था, संदेश मेरे संसार का सेवक होने का, जो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मेरे डीएनए में स्थित मेरे कर्मों को मुक्त कर दिया गया था ताकि वे इस विराट अनुभव के लिए जागृत अवस्था में रहे और इससे प्राप्त ज्ञान की पुष्टि कर सके। लेकिन यह दिव्य अनुभव मेरे सत्कर्मों से भी बहुत आगे निकल गया। यह ईश्वर का महान आशीर्वाद था। ये जानना आवश्यक है कि ये सूचनाएं मैं अपनी अतिचेतन अवस्था में ग्रहण कर रहा था, जिसमें मन का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं था। मैं कह सकता हूं कि मेरा विश्लेषणात्मक मन मेरी अतिचेतन अवस्था का दासवत हो गया था। इससे एक महान शिक्षा मिली कि विश्लेषणात्मक मन शिक्षा प्राप्ति का एक गौण माध्यम है, जिसका उपयोग रोजमर्रा के कार्यों के लिए ही करना चाहिए। दिव्य ज्ञान का मिलना तो सदा सतर्क चेतना के द्वारा ही हो सकता है, जो प्रज्ञा और बोध को प्राप्त कराती है। और जब मुझे उनके रूप की व्याख्या करनी हो, तब मैं यही कहूंगा कि शब्दों के द्वारा उसके रूप की कल्पना या उसकी छाया तक भी नहीं जाया जा सकता। परंतु मैं आपके सामने यह बताने की एक विनम्र कोशिश कर रहा हूं कि अपने मन रहित मन से मैंने उनको कितना अनुभूत किया, और एक प्रकाश विहीन प्रकाश से वे आए स्वयं को अकंपित विराट वज्र के रूप में अभिव्यक्त करते हुए। उनके केश उनके चरणों को छू रहे थे और पारलौकिक अग्नि तेज से प्रज्वलित थे। उनका मुखमंडल असहनीय तेज से चमक रहा था, जिसे न मनुष्य की न देवता की ही आंखें बिना बंद हुए अनुभूत कर सकती थी। इस अनुभूति को मैं इन शब्दों में व्यक्त कर पाया। यदि किसी क्षण समय व स्थान में अनगिनत सूर्यों का विस्फोट हो जाए, तब भी तुम्हारी छाया का ना अंदाज लगा पावे, हे प्रभु, तुम्हारा क्या होगा उजियारा। उनकी आंखें करुणा का अपार सागर थी, जिनके दर्शन कर कोई भी उनमें डूबे बिना नहीं रह सकता। परंतु उनकी आंखों को अपने इन चर्म चक्षुओं से देख पाना संभव नहीं था। हम केवल उन आंखों के एक अंश हो सकते हैं और बस वही हो जाते हैं। यहां भी उनकी आंखों से निकलता हुआ कांतिमान प्रकाश उनके सुदूर देशों के असीमित स्थानों पर रहने और फिर भी उसी समय हमारे भीतर विराजित रहने का संदेश दे रहा था। अत्यंत दूर फिर भी अत्यधिक समीप होने के उनकी आंखों के इस गुण से यह भाव आता था जैसे वे हमारी आंखें हों, जिनसे हम उन्हें देख रहे थे। उन आंखों ने सुबह से सांझ तक सृजन के गीत को गाया है। फिर भी मैंने एक क्षण में यह देखा कि वे संसार के कोलाहल से बहुत दूर अनंतता की परम शून्यता में समाये हुए हैं। वे एक मौन साक्षी हैं जो शिश्वत संसार का पालन पोषण करते हैं। मैं अपने पूरे जीवन में उनकी आंखों के इस विरोधाभास को समझ नहीं पाया कि किस प्रकार वे एक और ब्रह्मांड के काव्य को सुना रही थी, लेकिन फिर भी साथ ही साथ ब्रह्मांड के परे अनंतता की शून्यता अपने में लिए हुई थी। बंद आंखों से भी उनकी मुस्कान गहन गंभीर लग रही थी और उनके होठों का गुरुत्व मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो रहा था। हम उनकी मुस्कान में ये दोनों संकेत देख सकते थे, और फिर भी उनके चेहरे के हाव भाव उनके मुस्कान के गुरुत्व और उनके गुरुत्व के मुस्कान दोनों से ही परे थे। गुरुत्व शब्द गुरु शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वजनदार, और जब वजन चरम द्रव्यमान तक पहुंच जाए, तब यह आकाश व काल की अविभाजित तंतुओं को आत्मरूपी तारे में रूपांतरित कर देता है, जिसका गुरुत्व किसी आत्म तारे को स्वयं के भीतर ही क्रम संकुचित कर और स्वयं के भीतर से ही गुजार कर परम मुक्त दिव्य चैतन्य में प्रवेश कराता है। क्या हम अपने मन मस्तिष्क से माप ले सकते हैं, या अपने हृदय की गहराई से उन्हें नाप सकते हैं? उनके भीतर समस्त मानवीय विचारों के परे स्वयं ईश्वर अभिव्यक्त हुआ है। तो देखिए, मैंने यहां सम्राटों के सम्राट के मुखमंडल पर विराजमान आनंदमय गुरुत्व को
बताने की कोशिश की है। यही है वो गुरुत्व जो आकाश, काल और कार्य कारण की सभी सीमाओं को तोड़ देता है और दिव्य योगी को सभी सापेक्ष बंधनों और सीमाओं के परे कि कभी न लौटने वाले स्थान पर ले जाता है। अतः उनके मुखमंडल के गुरुत्व की मुस्कान ने मुझे यह दिखाया कि वे ही उच्चतम सतगुरु हैं जो काल चक्र को भेद कर दिव्य मनुष्यों को कभी न लौटने वाले स्थान पर ले जाते हैं। गुरुत्व ही वह कारण है जो किसी साधक को आत्मतारा रूपी द्वार से होकर ले जाता है। उनके मुस्कान का गुरुत्व समस्त आत्माओं को उनके ही तृतीय नेत्र के तारा द्वार से होकर मोक्ष प्रदान करने का भरोसा दिलाता है। उनका शरीर, यदि हम उसे इस प्रकार बोल सकते हैं, गीला प्रतीत हो रहा था, मानो उन्होंने अलकनंदा नदी में स्नान किया हो, फिर भी वह सूखा ही था। मध्यम कद और सुडोल गठन दोनों ही उनकी आभा की भव्यता में गुम हो गए थे। उन्होंने काला मृगचर्म पहना हुआ था और उनके हाथ में एक कमंडल था। मैंने महसूस किया कि उनके चरण धरती को नहीं छू रहे थे पर उससे कुछ इंच ऊपर थे। जैसे ही मेरी चेतना उनकी सार्वभौम चेतना में बहने लगी, मैंने सारा ब्रह्मांड उनमें एक देखा और फिर भी ब्रह्मांड के परे उनकी चेतना एक अथाह गहराई ली हुई थी। जब मैंने स्वयं को उनके स्वयं में खो दिया, तब उनके शरीर की अमर्त गंध ने उनके अमरत्व से मेरा परिचय कराया। समाधि अवस्था में भी उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य से मैं आश्चर्यचकित और अवाक हो गया। उनकी चेतना अनंत सप्त लोकों के भी परे व्याप्त थी और मेरी चेतना उनके एक अंश में समाकर व्याप्त हो गई। इस अनंतता में मैं खो गया और मरकर अमर हो गया। इस धराधाम में अवतरित बाबा जी गोरक्षनाथ वे महान राजयोगी हैं जिन्होंने संसार के लिए करुणावान होते हुए हठयोग के विज्ञान की रचना की, जो राजयोग को सरलता से समझने में मील का पत्थर बना। शिव गोरक्षनाथ को दुर्बल मस्तिष्क के लोगों द्वारा सिर्फ हठयोगी की उपाधि देना गलत होगा। मेरी यात्राएं कई पवित्र स्थानों एवं गुफाओं में मेरे एकाकी अभियानों की कहानियां है। एकाकी यात्रा और ध्यान के द्वारा परम शांति का निर्झर मेरे भीतर सदा प्रवाहित होता रहा, जिसने मेरे मन को शुद्ध कर मुझे उच्चतर चेतना के योग्य बनाया। भीड़ भरे माहौल में रहते हुए इसे प्राप्त कर पाना मेरे लिए सहज नहीं होता। यहां तक कि उस समय भी मैं तैयार नहीं था, समर्थ नहीं था, पर उनकी कृपा से मैं इसे अनुभूत कर सका। नाम रहित, उपाधि रहित, अकंपित विराट वज्र कहलाने वाले अनंत के परे और एक असीम से दूसरे असीम तक व्याप्त शिव गोरक्ष बाबा जी अमर ज्ञान के शीश, हृदय, बीज और आत्मा हैं। उन्हें समझा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। बाबा जी आकाश, काल और कार्य कारण से उसी प्रकार खेलते हैं जिस प्रकार कोई बच्चा पानी के बुलबुलों से खेलता है। यदि वे अपनी निर्दोषता में मुस्कुरा दें, तब वे सारा जगत खंड खंड कर देंगे। बाबा जी को जैसा मैंने देखा, वे सदा ही अकंपित विराट वज्र थे, हैं और रहेंगे। इस आंतरिक अनुभूति को बता पाना बहुत कठिन है। यह एक बिल्कुल अलग आयाम में अंतःकरण के विस्तार जैसा लगा। मेरे लिए यह एक असीम शून्यता थी, इतनी दैदिव्यमान और अंधा कर देने वाली कि यह मुझे अंधकार जैसी लगी। महाकाल शिव की तरह अपने में सब कुछ समा लेने वाले कृष्ण वीवर जैसी थी यह शून्यता। यह शून्य अशून्य का है पन, इतना गहन था कि यह बड़ा ही मृदु जान पड़ा, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शिव गोरक्षनाथ में समा रहा हूं। जैसा आप जानते हैं, परम प्रकाश पूर्ण अंधकार है, यह प्रकाश की प्रकृति है। मैं जानता हूं कि ऐसी अलौकिक रोशनी का आकलन कठिन है। हम जानते हैं कि इतनी बात करना निरर्थक है, क्योंकि इससे उस अनुभूति का अंश भी हमारी पकड़ में नहीं आ सकता। अतः ये तो ऐसा है मानो अगणित सूर्यों का विस्फोट आपकी आंखों के सामने हो जाए। उन्होंने सिर्फ मेरी सहज चेतना के द्वारा
मुझे सत्य का बोध करवाया। ये प्रकाश हर उस जगह है जहां कोई भी सहज वर्तमान की चेतना में संपूर्ण समा जाता है, जिसे ईश्वर कहते हैं। उन्हें कोई अवतार या दिव्य पुरुष भी नहीं कहा जा सकता, वे उनसे भी परे हैं। वे शून्य अशून्य का है, पन है, निरंजन निराकार स्वरूप और उससे भी ज्यादा। जितना ही मैं उनके बारे में बोलता हूं उतनी ही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जगत के ईश्वर शब्दों के परे हैं। शिव गोरख बाबा जी, जिनका मुझे साक्षात्कार हुआ, वे साक्षात भगवान शिव हैं। वे इस ब्रह्मांड की चेतना है। दक्षिण भारतीय संत बाबा जी नागराज या आजकल के योगी जो अपना नाम बाबा जी या गोरखनाथ बताते हैं, वे शिव गोरख बाबा जी नहीं हैं। मेरे पूर्व संस्कारों के कारण मैंने इस विराट अस्तित्व को शिव गोरख बाबा जी के रूप में अनुभूत किया। हर वक्त जब भी मैं अपनी चेतना के भीतर गया, मैंने उन्हें हमेशा परम शून्य, परम कारण स्वरूप पाया और अधिक अनाकलनीय पाया। वे अचिंत्य और अथाह हैं। जीवन को बदल देने वाली इस अनुभूति से मैं धन्य हो गया और बाबा जी के द्वारा अनुग्रहित हुआ। उनके आदेश पर संसार की सेवा मुख्य रूप से मेरा कार्य बन गया, जिसे मूलतः तीन भागों में समझाया जा सकता है। पहला, लोगों को शक्तिपात के द्वारा महावतार बाबा जी के क्रिया योग में अनुग्रहित करना, जिससे ध्यान द्वारा मनुष्य की चेतना का विकास हो सके। दूसरा, मेरा लोगों को सार्वभौम चेतना का अनुभव शिवपात प्रदान करना, जिससे मैं मानवता को अपना विराट स्वरूप मानकर उसकी सेवा अपने आत्म स्वरूप में कर सकूं। इस अनुभव से लोग पूरे जगत की एकता को समझ सकेंगे, जिससे उनके जीवन में शांति और सौहार्द आएगा। तीसरा, प्राणपात यानी उनकी श्वास से श्वास लेना के द्वारा उन्हें नया जीवन देने वाली विधियां सिखाना, जिससे उनका जीवन एक उत्सव बने। ये सभी रास्ते हमें आत्म शांति द्वारा जगत शांति तक पहुंचाते हैं। शिव गोरख बाबा जी के साथ हुए अनुभव और इन विधियों की प्राप्ति और मानव अधिकारों की घोषणा से मैं एकदम विस्मित हो गया। सहज होने के बाद मैं निर्विकल्प समाधि की अपनी उच्च अवस्था में नहीं रहा। जैसे ही मैं अपनी साधना की सामान्य अवस्था में लौटा, ऐसा लगा कि एक मौन आवाज मुझसे बोल रही हो, अपने समीकरण खुद बनाओ, अपने कर्म खुद लिखो और खुद ही अपना मोक्ष बनो। बाबा जी के साथ मेरे बचपन का संबंध। मैं यहां पर बाबा जी की पहचान का जो खुलासा कर रहा हूं, वो महज कल्पना के उड़ान नहीं, बल्कि इस महान सत्ता के साथ हुए मेरे व्यक्तिगत अनुभव और उससे मिली समझ से विकसित हुई है। यह उनकी महती कृपा ही है कि मैं यह जानकारी प्रदान कर रहा हूं, ताकि गंभीर साधक जो आध्यात्मिक उन्नति के प्यासे हैं, उनकी अप्रकट सनातन सत्ता के बारे में और भी अधिक जान सके। जो लोग उन्हें अपनी आत्मा की आंखों से देखना चाहेंगे, वे देख लेंगे, और जो ऐसा नहीं करेंगे, वे नहीं देख पाएंगे। संसार के ईश्वर विनम्र हैं और स्वयं को दूसरों पर कभी भी नहीं थोपते, परंतु उनके पहला कदम उठाने का इंतजार करते हैं और फिर अपनी कृपा से उन्हें मालामाल कर देते हैं। मुझे बचपन से ही इस बात का ज्ञान था कि मेरा जन्म शिव गोरख बाबा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप हुआ था। बाबा जी के साथ मेरे गहन और सूक्ष्म संबंध होने के बाद ही मुझे यह बात पता चली कि ग्वालियर में हमारे पारिवारिक मंदिर का गर्भगृह पूर्ण रूप से इस अमर बाबा जी को ही समर्पित था। मेरे दादाजी ने यह मंदिर उन पर पुत्र रत्न की कृपा होने के बाद, यानी मेरे पिता के जन्म लेने के बाद बनवाया था। इस मंदिर का गर्भगृह शिव गोरख बाबा जी के सम्मान में निर्मित किया गया है और मंदिर का निर्माण स्वयं उनके शिष्य राजा गुगानाथ ने शिव गोरख बाबा जी को गुरु महाराज कहकर बुलाया है और मंदिर का निर्माण स्वयं उनके शिष्य
राजा गुगानाथ के नाम पर किया गया है। हमारे परिवार के सतगुरु गुगानाथ चौहान ने शिव गोरक्ष बाबा जी को गुरु महाराज कहकर बुलाया है। वही अमर बाबा जी जो हिमालय के विस्तारित श्रेणियों में युगों युगों से लेकर आज भी जीवित हैं। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरे जन्म से ठीक पहले उन्हें ग्वालियर के हमारे पैतृक मंदिर में हुए हवन से प्राप्त विभूति दी गई थी। उन्होंने इस पावन विभूति को सावधानी के साथ अपनी सिंगारदानी में रख लिया, और क्योंकि वे अपनी गर्भावस्था के दौरान ज्यादा भोजन नहीं कर पाती थी, अपनी उस आहारचर्या को दृढ़ करने के लिए वे उस पवित्र विभूति को पानी में मिलाकर पिया करती थी। हर सोमवार वे हमारे ग्वालियर के महल के मंदिर जाया करती और वहां समारोहों में हिस्सा लिया करती थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि मेरा जन्म बाबा जी के आशीर्वाद और आदेश के फलस्वरूप हुआ था। वर्षों तक उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था और वे मुझे बताया करती थी कि मैं एक योगी बनूंगा। वे मुझे कई बार यह बताया करती थी कि चूंकि मेरा जन्म 10 मई 1944 में हुआ था, मेरे ग्रह नक्षत्र कुछ इस प्रकार स्थित हैं कि मुझे ध्यान अभ्यास करते हुए एक गृहस्थ योगी का आध्यात्मिक जीवन जीना है, ठीक महान क्रिया सतगुरु ज्ञानावतार श्री युक्तेश्वर की तरह, जिनका जन्मदिन भी वही है। उन्होंने मेरा सुदूर देशों में जाकर क्रिया योग के शाश्वत विज्ञान की शिक्षा देने की भी भविष्यवाणी की थी। मेरे जन्म के पूर्व घोषणा बहुत सी ज्योतिषियों और महान संतों ने भी की थी, जो मेरे दादाजी से मिलने आते थे। वे लंबे समय तक दर्शन, योग और ज्योतिष संबंधी चर्चाएं किया करते थे। उन्होंने मेरे दादाजी को यह बताया कि उनका होने वाला पोता राजसी वैभव में जन्म लेने के बावजूद भी वैराग्य के पथ पर चलेगा। शुरू में बहुतों के द्वारा न समझे जाने के बाद भी अपने जीवन के उत्तरार्ध में उसका कार्य योग और मानवता के प्रति एक सच्चा योगदान माना जाएगा और अपने सही सम्मान को प्राप्त करेगा। वह सनातन धर्म का प्रचार प्रसार धार्मिक और रीति रिवाजों की रूढ़ियों के बिना करेगा, जो सारे संसार के लिए हितकर होगा। कालांतर में मेरे स्कूल और महाविद्यालय के दिनों के दौरान मेरी ध्यान साधना गहराई और उनके द्वारा मुझे मेरी आत्मा की आवाज सुनाई देती कि मेरा भविष्य न तो पढ़ाई लिखाई और न ही धन की प्राप्ति में है, वरन यह तो योग के जागरण को प्राप्त करने में है। मैं हमेशा बाबा जी की मार्गदर्शक के रूप में उपस्थिति का अनुभव करता, मानो वे मुझे भगवान विष्णु के तीर्थ बद्रीनाथ में उस अनुभूति के लिए तैयार कर रहे थे जो मुझे 1967 में मिली, जब मैं 23 वर्ष का बस हुआ ही था। कालांतर में बहुत ही धीरे धीरे मैंने शानो शौकत से भरे जीवन का त्याग करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें मेरा जन्म हुआ था। मैं तब से ही बेहद साधारण जीवन जी रहा हूं। भौतिक इच्छाओं से सहज भाव से दूर होने का प्रतिफल मुझे मन की गहन आंतरिक शांति के रूप में प्राप्त हुआ है। यह आंतरिक प्रशांति मेरे भीतर बाबा जी की उपस्थिति के फलस्वरूप है। एक तरह से मेरे शुरुआती जीवन की घटनाओं में इस बात का पूर्वाभास निहित था कि मैं पूरी दुनिया में सत्य के सच्चे साधकों को बाबा जी का नवजीवन जागृति दिलाने वाला क्रिया योग विज्ञान प्रदान करूंगा। अपनी युवावस्था के दौरान मुझे सदा ही इस अनश्वर सत्ता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहा, जब तक कि मेरी उनसे हिमालय में भेंट नहीं हो गई, जहां उनकी दिव्य उपस्थिति में मेरा रूपांतरण हो गया। बाबा जी से मिलने और उनसे अनगिनत आशीष लेने के बाद भी जब मुझसे उनका सटीक शब्द चित्र बनाने के लिए कहा गया, तब मैं अवाक रह गया। मुझे यह बताने के लिए कोई शब्द नहीं मिले कि वे कौन हैं या क्या हैं। अंतहीन करुणा के सागर, यह कहना पर्याप्त होगा कि वे तो वह सत्ता है जिसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। किस प्रकार विचारों से सीमित शब्द एक असीम सत्ता की व्याख्या कर सकते हैं? किस प्रकार पानी की बूंद सागर को समझ सकेगी? आखिरकार वे अंतहीन करुणा के सागर हैं पन की परम सत्ता है। उनके बारे में प्राचीन साधु संतों ने लोकोक्तियों और रहस्यों में बताया है, और फिर भी किसी दोषपूर्ण उपकरण वाले मूर्तिकार की तरह अपूर्ण शब्दों के द्वारा ही
सही, मुझे काल के प्रारंभ से भी पहले जन्मी इस महान सत्ता का विवरण देने की कोशिश करनी होगी। बाबा जी हमारे त्रिआयामी जगत की गतिशील ऊर्जा है, परम की चेतना है और उनका केंद्र हर ओर एवं परिधि कहीं भी नहीं है। उनकी चेतना की यह दिव्य लीला इस तरह से विरोधाभासी है कि उनकी गतिमान और स्थितिज ऊर्जा दोनों एक ही साथ उनके द्वारा अभिनीत एवं धारण की जाती है। वे स्वयं वज्र हैं और फिर भी वे उसे अपने हाथों में लिए हुए हैं। यह मनुष्य जाति को ज्ञात वह महानतम विसंगति है जिसका गुणगान पुरातन ऋषियों ने शिव और शक्ति की दिव्य लीला के रूप में किया है। अभी वहां है और अब एक चमक के साथ प्रस्थान कर गए और इसके बाद भी अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया। बाबा जी हर कहीं और कहीं भी नहीं, एक ही समय में हैं। वे हैं साक्षात अकंपित विराट वज्र। बाबा जी ब्रह्मांड के पूरे जीवन काल तक रहते हैं। उन्होंने चर अचर जीवों के उत्थान के लिए अपना बलिदान कर दिया है। वे आत्मा के पदार्थ में क्रम संकोच और पदार्थ से आत्मा में क्रम विकास की सतत होने वाले प्रक्रिया के मूल कारण हैं। यह महान त्याग न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि देवताओं और भगवानों के लिए भी समझ से परे हैं, इसलिए उन्हें महाभिनिष्करण या महान त्याग भी कहते हैं। अपार करुणावत होकर बाबा जी ने अपनी अनंत चेतना का एक शांत अंश पीछे छोड़ दिया है ताकि मनुष्यता का उत्थान दिव्यता के समरूप हो सके। सूर्य के अनगिनत विस्फोटों में उन्होंने समस्त ब्रह्मांड के अणुओं में अपनी आत्मा की जीवंतता, ज्ञान और सत्य का संचार कर दिया है। सिर्फ मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए ही नहीं, वरन समस्त चर अचर पदार्थों और जीवों को उनकी मूल चेतन अवस्था में मुक्त कर देने के लिए। बाबा जी के दिव्य हैपन की यह चिंगारी आध्यात्मिक ज्ञान का मूल स्रोत है जिसको व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा दिव्य चेतना के रूप में विकसित और अभिव्यक्त किया जा सकता है। न केवल वे दिव्य चेतना के मूल स्रोत हैं बल्कि कण कण में स्पंदित दिव्य हृदय बाबा जी ने मनुष्य जाति को क्रिया योग का विज्ञान प्रदान किया है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भौतिकता में डूबा हुआ स्वेच्छाचारी मनुष्य आत्मा होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार का पुनः दावा कर सकता है और ज्ञान, आनंद और अनंत सत्ता के अपने घर लौट सकता है। क्रिया योग के सतत अभ्यास से ही कोई भी अपनी दिव्यता के समरूप पुष्प की भांति खिल सकता है हर एक युग में और हर एक काल में। यही मनुष्य जाति का मोक्ष रहा है। बाबा जी का शिष्य होने के नाते, हे प्रकाश पुत्र, तुम तेज मात्र हर लो अविद्या तिमिर के समग्र गात्र, सतत लड़ो मिथ्या के संग, संग्राम करो तुम दिवस रात्र। मेरे अपने अनुभव और सत असत विवेक बुद्धि के अनुसार जगत ईश्वर के रूप में बाबा जी ने कोई भी नए शिष्य नहीं बनाए हैं। अंतिम दो शिष्य जो उन्होंने स्वीकार किए योगावतार लाहिड़ी महाशय एवं ज्ञानावतार श्री युक्तेश्वर थे, जिन्होंने अपनी देह को प्रकाश में रूपांतरित कर लिया था। केवल वही व्यक्ति इस प्रकार के प्रत्यक्ष संबंध के योग्य हैं जिसकी देह काल के प्रकोपों से मुक्त सत निर्विकल्प समाधि की अवस्था में रहे। बाबा जी की अनुभूति का होना एक बात है, परंतु बाबा जी का प्रत्यक्ष शिष्य होना एक बिल्कुल ही अलग स्तर की प्राप्ति है। कई लोगों ने अवर्णीय बाबा जी की अनुभूति का होना बताया है, जबकि यह बाबा जी का प्रत्यक्ष शिष्य होने से बिल्कुल अलग बात है। जहां परम गुरु और शिष्य दोनों ही सतत चैतन्य की अवस्था में रहते हैं, यह एक अत्यंत दुर्लभ घटना है। जहां महावतार गुरु और अवतारी शिष्य एक दूसरे के साथ सारूप्यता में रहते हैं और निष्काम चेतना के सर्वव्यापी परमानंद में स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी उच्च श्रेणी के साधक को जो अवतार से निम्न श्रेणी का हो
बाबा जी समान महान तत्व से संपर्क रखता हो, तब उसके तीव्र तप और निमितर समाधियों के बावजूद भी वह बाबा जी के दिव्य वैभव की प्रचंडता को सहन नहीं कर सकता और उस विराट तत्व के आवेश में निश्चित ही उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर विस्फोटित हो जाएंगे। परंतु सर्वोच्च गुरु महान बाबा जी के द्वारा इस तरह की कृपा का आदेश नहीं होता, क्योंकि किसी उच्च शिष्य या अवधूत, यहां तक कि बोधिसत्व के लिए भी समय से पहले उनके आनंदमय तत्व में विस्फोटित हो जाने को वे उचित नहीं मानते। मनुष्य और ऐसी महान सत्ता के बीच आध्यात्मिक संबंध कायम होने पर यह शिष्य के तथाकथित शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। यदि बाबा जी को अपनी करुणा में जन सामान्य की अर्ध जागृत कुंडलिनी के साथ जुड़ना हो, तब अपने पूरे प्रेम के साथ भी यह लाभ करने के बजाय धीमी गति से उन्नत होने वाली मानवता के लिए नुकसानदायक अधिक सिद्ध होगा। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि बाबा जी की चेतना और आध्यात्मिक सार तत्व धीरे धीरे क्रमशः कम होते हुए प्रथमतः अवतार, फिर अवधूत, फिर सिद्ध, फिर परमहंस और इसके बाद हंस तक पहुंचे और तब जाकर ही उनका आध्यात्मिक तत्व और कृपा जन सामान्य के द्वारा अपनाई जा सकेगी और लोग उस महान सत्ता के सर्वोत्तम आशीर्वादों को ग्रहण कर सकेंगे जिन्हें अनामिक कहा जाता है। यह उनकी कृपा के नीचे आने का वर्णन करता है। ईश्वर की शक्ति, ज्ञान और प्रेम के उच्चतम शिखर के मानवता की शक्ति, ज्ञान और प्रेम तक जो ईश्वरीय ज्ञान के समक्ष कुछ भी नहीं है। एक साधारण मनुष्य की स्नायु प्रणाली, मस्तिष्क के कोष और सूक्ष्म चक्रों की संरचना ऐसी नहीं होती कि वह महावतार बाबा जी जैसे दिव्य सत्ता के आध्यात्मिक प्रवाह को सहन करने में समर्थ हो सके। एक अवतार ही महावतार का शिष्य हो सकता है। इससे निम्न कोटि का कोई भी व्यक्ति महज अपनी कल्पना की उपज में खोया रह सकता है, क्योंकि वास्तविकता में यदि किसी मनुष्य पर दिव्य विद्युत का प्रवाह हो जाए और भले ही वह कितना ही प्रेमपूर्ण और धीरे से किया गया हो, तब उस मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाएगा। जब तक कि वह बुद्ध, जीसस, भृतहरिनाथ और लाहिड़ी महाशय के समान अवतारी चेतना के दिव्य गुणों वाला न हो, जो बाबा जी की महान शक्ति को सहन करने में समर्थ है। किसी भी व्यक्ति को जो इस प्रकार के संबंध का दावा कर रहा हो, लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तीश्वर की इन अवस्थाओं का प्रदर्शन करना होगा। सांभवी मुद्रा, अपलक बाह्य दृष्टि के साथ मन का आत्मरूप समाधि में स्थित हो जाना। मैंने सांभवी तंत्र पे ऑडियो बुक भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो हमारे सांभवी तंत्र को सुन सकते हैं। निर्विकल्प समाधि, दिव्य मन के परे दिव्य चेतना की अवस्था में रहना, कभी भी निद्रित नहीं बल्कि सदा समाधि में होना। पुनरुत्थान, योगावतार लाहिड़ी महाशय, ज्ञानावतार श्री युक्तीश्वर और प्रेमावतार जीसस क्राइस्ट की भांति पुनर्जीवन को प्राप्त हो जाना। अवतार का अर्थ दिव्यता का नीचे आकर उद्धार करने से है। उपरोक्त तीनों विभूतियां क्रमशः योग, ज्ञान और प्रेम के अवतार है। जब कोई मनुष्य यह कहता है कि उसे बाबा जी का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, तब उसका यह कहना लोगों की समझ में नहीं आ सकता और इस बात की सच्चाई को सिद्ध करने का कोई तरीका भी नहीं है। केवल वही व्यक्ति अपने अंतर्मन में यह जानता है कि वह क्या कह रहा है और बाबा जी ही उसके कर्मों के अनुसार अंतिम न्याय करेंगे। बहुतेरे लोगों को इस महान सत्ता के दर्शन, भेंट, आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं। यह संभव है और यह सच भी हो सकता है, लेकिन बाबा जी और मरण धर्मा मनुष्य के बीच का आध्यात्मिक अंतर इतना अधिक है कि इस परिमाण का छोटा सा भी आध्यात्मिक अनुभव योगी को कई दिनों और महीनों तक स्तब्ध किए रह सकता है। फिर भी एक अत्यल्प आशीष भी उन समस्त आत्माओं पर महान कृपा करेगा
जिन्होंने बाबा जी को देखा है अथवा नहीं देखा है, और उससे वे आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर अपने अंतिम निर्वाण मोक्ष की ओर उन्नत होंगे, जो स्वयं बाबा जी हैं। यह दुखद किंतु सत्य है कि मनुष्य का स्वभाव अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश करना है, और किंडरगार्टन करने से पहले पीएचडी करने का है। दर्शन होना एक बात है, लेकिन जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ऐसी दिव्य सत्ता की अलौकिक आभा में निरंतर स्नान करना एक बिल्कुल ही दूसरी घटना है। यद्यपि वे हमसे भी समीप, हमारी श्वास के जीवन की अंतर्निहित चेतना की दिव्यता है, फिर भी हम सभी को पूरी सच्चाई के साथ यह आत्मविश्लेषण करना होगा कि हम बाबा जी के साथ संबंध के मामले में किस स्तर पर आते हैं। हमारा अस्तित्व उनके होने का प्रमाण है। वे पूर्ण रूप से हमारे भीतर हैं, लेकिन हमने स्वयं को बाबा जी में कितना प्राप्त किया है, प्रश्न यही है। इस बात को आगे स्पष्ट रूप से समझते हैं कि उनका हमारे भीतर होना और हमारा उनके भीतर न होने के सही सही मायने क्या हैं। इसका यह तात्पर्य है कि बाबा जी की परम आत्मचेतना हमारी आत्माओं का सार तत्व है, और ब्रह्मांड के समस्त चर अचर प्राणियों के भीतर भी उनकी गतिशील चेतना के रूप में स्थित है। परंतु हम सब में रहने वाली बाबा जी की यह परमात्म चेतना हमारी बुद्धि, मन और भावनाओं के विभिन्न परतों से ढकी हुई है। इस बात को आगे स्पष्ट रूप से समझते हैं कि उनका हमारे भीतर होना और हमारा उनके भीतर न होने के सही सही मायने क्या हैं। इसका यह तात्पर्य है कि बाबा जी की परम आत्म चेतना हमारी आत्माओं का सार तत्व है, और ब्रह्मांड के समस्त चर अचर प्राणियों के भीतर वे उनकी गतिशील चेतना के रूप में स्थित हैं। परंतु हम सब में रहने वाली बाबा जी की यह परमात्म चेतना हमारी बुद्धि, मन और भावनाओं के विभिन्न परतों से ढकी हुई है। हम स्वयं की पहचान अपनी देह, मन और भावनाओं के द्वारा करते हैं, जो हम नहीं हैं, न कि हमारे अस्तित्व की सत्यता से, जो बाबा जी की चेतना है, जो संसार को परम आत्म चेतना की ओर ले जा रही है, जिसे हम शब्दों की कमी के चलते ईश्वर या भगवान बुलाते हैं। अब जैसे जैसे हम क्रिया योग के अभ्यास और दूसरे आध्यात्मिक मार्गों के द्वारा अपने अन्नमय, प्राणमय और मनोमय शरीरों की स्थूल परतों को शुद्ध करते जाते हैं, तब अनेक वर्षों और अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात हम अपनी आत्मा का क्षीण प्रकाश देखना शुरू कर देते हैं, जिसकी आत्मा मैंने बाबा जी को कहा है। मैंने श्री लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग पर भी ऑडियो बुक बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे जैसे हम मेरुदंड के पथ में और भी ज्यादा चलने लगते हैं, अपनी देह, मन और आत्मा रूपी दर्पण को परिशुद्ध और साफ करते चलते हैं, तब हमारी आत्मा की ज्योति, जो बाबा जी का मंदिर है, अपनी आभा में भीतर से बाहर चमकने लगती है, और हम बाबा जी की परम चेतना में अधिकाधिक हिस्सा लेने लगते हैं। अतः जब मैं यह प्रश्न आप सबसे पूछता हूं कि बाबा जी हमारी अंतर्निहित चेतना की भी आत्मा है, लेकिन हम बाबा जी में कितने पाए जाते हैं, तो इसका यही तात्पर्य होता है। अतः योग की स्थापना करने वाले अपने पूर्वजों से प्राप्त योग और ध्यान की अमूल्य आध्यात्मिक विरासत के द्वारा हम स्वयं के अपने सत अस्तित्व के साथ अधिक से अधिक पहचान कर पाएंगे, जो परम चेतन स्वरूप बाबा जी है, और अपनी दैहिक आकृतियों, वासनाओं एवं मानसिक आदतों के साथ कम से कम होते चले जाएंगे। क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा जब हम अपनी भौतिक इच्छाओं और ग्रंथियों को विदा करने लगते हैं, तब हम बाबा जी की परम चेतना में अधिकाधिक जीने लगते हैं, क्योंकि बाबा जी हमसे इस कदर समीप हैं, वे हमारे सच्चे अस्तित्व का सार तत्व हैं, और फिर भी उनसे मिलने और उन्हें देखने के लिए हमें इतना महान प्रयत्न करना पड़ता है। वे समीपस्थ और दूरस्थ कहे जाते हैं, और इसलिए मैं आप सभी को यह प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि बाबा जी हम सबके भीतर हैं, लेकिन हमने
स्वयं को बाबा जी में कितना पाया है। बाबा जी के दल में आठवें स्तर के अति उच्च दीक्षित आदि हैं, जिन्हें अग्निश्वत ऋषि कहती हैं। ऐसे हैं उनके शिष्य, यदि हम उन्हें इस प्रकार संबोधित कर सकते हैं, अपने पदानुक्रम में 33 की संख्या में, अपने भव्य शरीर रूपी वस्त्रों में, मनुष्य के आकलन से बहुत परे 18.5 करोड़ वर्ष पहले उनके दिव्य रूप इस पृथ्वी पर ईश्वर की आत्मा को मनुष्य तत्व से मिलाने के लिए प्रकट हुआ और वर्तमान श्वेत वराह कल्प के प्रथम आध्यात्मिक पदानुक्रम का निर्माण किया। यदि भारत के प्राचीन ग्रंथों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाए तो हम पाएंगे कि इन समस्त महान आत्माओं के नाम, उनकी पहचान और उनके आने का समय इनमें दिया गया है। ये महान उपस्थितियां जन्म और मृत्यु से परे हैं। जब हम उनके बारे में कहते हैं वह मृत है और सामने देखो वे जीवित हैं और किसी दूसरे स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। ये महान सत्ताएं कभी मरती नहीं, क्योंकि उनका कोई जन्म भी नहीं है। यहां उन कुछ महान अग्निस्वत ऋषियों का विशेष उल्लेख करना आवश्यक है, जो आध्यात्मिक पदानुक्रम में ग्रहीय और सौर देवताओं के समान बुलंद ऊंचाइयों पर स्थित हैं। इनके अंतर्गत आते हैं सनत कुमार, जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को दर्शाते हैं, और प्रधान देवदूत माइकल के समक्ष हैं, जो ईश्वरीय मुख वाले देवदूत हैं। दूसरे अग्निस्वत ऋषि हैं सनक, जो गणपति हैं, समस्त मेजबानों के भगवान और सभी मंगल कार्यों का प्रतिपादन करने वाले हैं, जो पाश्चात्य नामावली में प्रतिपादन करने वाले प्रधान देवदूत गैब्रियल के नाम से जाने जाते हैं। फिर हमारे पास है सनंदन, इसके बाद सनत सुजाता, फिर आते हैं पंचसिका, फिर कपिल और रिबु। ये सप्त अग्निस्वत ऋषिगण ईसाइयत में ग्रहीय देवता न होकर सप्त दिव्य प्रधान देवदूतों के अनुरूप हैं। इन दिव्यात्माओं के यथारूप वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तत्पश्चात आती है उच्च अनग्रह प्राप्त कौमारे की प्रकाश स्वरूप उमानाथ, जो महान दिव्य जीवन बल ऊर्जा कुंडलिनी का मूर्तिमंत रूप है, जिन्हें माताजी भी कहा जाता है। शिव की अर्धांगिनी महान योगेश्वरी उमानाथ को माताजी भी कहा जाता है। वे बाबा जी के साथ एक हैं और साथ ही साथ अपने दिव्य पारलौकिक कुंडलिनी के गतिशील स्वरूप को अभिव्यक्त कर रही है। वे आठवें स्तर के अग्निस्वत ऋषियों के साथ भी कार्यरत है, ताकि अंतिम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानवीय चेतना का उत्थान हो पाए। इसके बाद आते हैं महान आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्हें शिव गोरक्ष बाबा जी ने अद्वैत के उच्चतम विज्ञान और आध्यात्मिक उत्थान को प्यासी मानवता तक पहुंचाने का आदेश दिया। इन अत्यंत उन्नत सत्ताओं में दूसरे हैं महान दत्तात्रेय, जिन्होंने इस पृथ्वी को अद्वैत दर्शन और तंत्र योग का गुप्त विज्ञान प्रदान किया। सम्राटों के सम्राट बाबा जी के दिव्य आभा मंडल में कार्य करने वाले भगवान वैवस्वत मनु है, जो आंतरिक पदक्रम के शासक हैं। कल्कि अवतार जगत गुरु है, जिन्हें क्राइस्ट का द्वितीय आगमन भी कहते हैं, पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए तैयार हो रहे हैं। मानवीय बुद्धि से बिल्कुल परे बाबा जी के साथ दिव्य कारण लोक में कार्य कर रहे हैं। योगावतार लाहिड़ी महाशय जगत गुरु के उत्तराधिकारी होंगे। ज्ञानावतार युक्तीश्वर के हिरण्य लोक में उच्चतर आत्माओं के उत्थान का उत्तरदायित्व दिया गया है। वे मनु सावर्णी के रूप में वैवस्वत मनु के उत्तराधिकारी होंगे। ये सभी संसार की आंतरिक शासन प्रणाली के आध्यात्मिक पदक्रम के दिव्य लोकों में शासन करेंगे। इसके बाद हम कुछ चिरंजीवियों के नाम लेते हैं, भगवान हनुमान, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन, नागार्जुन, आर्यसंघ, काउंट संत जर्मैन, परशुराम, बाली, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भगवान सूर्य कश्यप,
सर्वाधिक भव्य और पूजित अग्निस्वत ऋषियों में से एक हैं, जो शिव गोरक्ष बाबा जी के साथ कार्य करती हैं। इतनी ऊंची है उनकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा कि कहने के लिए शब्द बहुत कम हैं। यह स्मरण रखना जरूरी है कि जब भी कोई आध्यात्मिक अर्थों में बाबा जी का शिष्य होने का दावा करता है, तब उसकी कुंडलिनी बाबा जी की दिव्य कुंडलिनी के साथ सतत रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उसकी गतिशील ऊर्जा का प्रकाश तत्व सतत रूप से प्रकाश की गति की चरम अवस्था में होना चाहिए, जो उस अवतार का द्रव्यमान अनंत गुना करता है। उसका दिव्य शरीर काल रहित हो जाता है और उसकी चेतना वर्तमान में अवस्थित हो जाती है। जब इस प्रकार के सारूप्य संबंध की स्थापना होती है, केवल तभी कोई शिष्य बाबा जी के साथ एकता को महसूस कर सकता है, जिनका केंद्र सब ओर है और जिनकी परिधि कहीं भी नहीं है। उनका प्रत्यक्ष शिष्य होने का तात्पर्य यही है। योगावतार लाहिड़ी महाशय और ज्ञानावतार श्री युक्तीश्वर के अंतिम संदर्भ के बाद मैं कम से कम एक व्यक्ति को भी ऐसा नहीं पाता जो इस अलौकिक सत्ता के साथ गुरु शिष्य संबंध कायम रख पाया हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें योगानंद के अनुभव से प्रेरणा पाकर बनाए गए बाबा जी के चित्र पर आधारित दर्शन या आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अतः वे अनुभव सविकल्प दर्शनों की श्रेणी में ही आते हैं। तथापि इस दिव्य सत्ता बाबा जी की सच्ची अनुभूति के लिए कभी भी न लौटने वाले व्यूहों के पार धर्म मेघ समाधि के भी परे जाना होगा। अति उत्साही साधकों और स्वामियों को अपने मति भ्रम या त्रिआयामी दर्शनों से स्वयं को बाबा जी का प्रत्यक्ष शिष्य समझ लेने की गलती के प्रति सावधान होना होगा। उन्हें अपनी स्थिति का अनुपात स्वयं समझने की आवश्यकता है। यहां बहुतेरे बीमार और कमजोर नौसीखिए भक्त और स्वामी हैं, जिनके रोग बाबा जी के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। ऐसा होना उन्हें इस दिव्य अवतार के शिष्य होने योग्य नहीं बनाता, लेकिन उन पर यह कृपा जरूर करता है कि वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखकर परम पद की प्राप्ति करें, जो स्वयं बाबा जी ही हैं। मुझे यहां यह भी बताना है कि निश्चित ही यहां दूसरे बाबा जी भी हैं, जिनके विषय में लोगों ने लिखा है। कुछ मनुष्य हैं, कुछ सच्चे ऐतिहासिक लोग हैं और कुछ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इन बाबा जी लोगों के बहुत से नाम हैं। इन सारे बाबा जी और इनके शिष्यों और अनुयायियों के विषय में मुझे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि कोई भी उम्र दराज व्यक्ति स्वयं को बाबा जी कह सकता है और कोई भी उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है, और यहां तक कि उनके नाम में मंदिर भी बनवा सकता है। अब मैं पश्चिमी जगत को सच्चे बाबा जी को पहचानने के विषय में सावधान करना चाहूंगा और चाहूंगा कि वे अपनी कल्पना की उड़ान पर भरोसा न करें। सच्चे धरातल पर बने रहने के लिए आपको मंदिरों, पुस्तकों और दूसरे साहित्य के प्रमाणिक ऐतिहासिक साक्ष्यों की खोज करनी होगी, जो प्राचीन दस्तावेज है जिनमें इस अद्भुत सत्ता का उल्लेख मिलता है। क्योंकि दूसरी महान आत्माएं जैसे भगवान कृष्ण और भगवान जीसस भी धरती के लोगों के सामने प्रकट हुई और उन्हें बताया कि उनका जन्म कहां हुआ और उन्हें कहां सूली पर चढ़ाया गया। उनके ऐतिहासिक कालक्रम के अवशेष और निशानियां आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। दिव्य रसायनविद और संपूर्ण रूपांतरण की उनकी रस विद्या। सर्वप्रथम इस जगत को संपूर्ण रूपांतरण की रस विद्या का विज्ञान दिव्य रसायनविद शिव गोरक्ष बाबा जी के द्वारा प्राप्त हुआ था। पहली बार हमें इसका ज्ञान अटलांटिस के युग में हुआ, जब भारतवर्ष आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। इसके पश्चात हम इस विज्ञान को समय के गलियारों से नीचे की ओर आते हुए देखते हैं, जहां सभी महान योगी और सिद्धों ने इसका अभ्यास कर अपनी देहों को संजीवन देहों में परिवर्तित कर लिया और इसके बाद सतरंगी प्रकाशमान देहों में रूपांतरित कर दिया। पारसमणि के साथ की गई रसविद्या के अंश का यह विज्ञान
उतना ही पुरातन है जितना योग साधना द्वारा शरीर का रूपांतरण। अतः जहां तक रस विद्या का प्रश्न है, हमारे समक्ष चिंतन एवं अभ्यास के ये दो मत आते हैं। पहला, योग साधना द्वारा नाशवान शरीर का प्रकाश में रूपांतरण। दूसरा, रसायन विद्या द्वारा विनाशशील देह का प्रकाश में रूपांतरण। इस अध्याय में इन दोनों विधियों की कार्य प्रणाली का विवरण है। पारद का स्थूलीकरण पारसमणि भी कहलाता है। यह रसविद्या नाशवान देह का सप्तरंगी आभा के अमर उजाले में चमत्कारी रूपांतरण प्रदान करती है। परंतु शिवगोरच बाबा जी ने हमें नाथ योगियों के गुप्त योग के अभ्यास द्वारा स्थूल देह का आध्यात्मिक देह में सीधे रूपांतरण का ज्ञान भी प्रदान किया है। आरंभ में, वर्तमान समय में, अभ्यास की प्रक्रियाओं में हमें यह समझ आता है कि पारद को संगठित करने वाली दो प्रक्रियाएं हैं। एक पतंजलि की गर्म संलयन की प्रक्रिया है और दूसरी गोरच की, पारद की ठंडे संलयन की प्रक्रिया। बाबा जी के मानवता को प्रदान किए गए बहुत से योगदानों में एक बहुत बड़ा योगदान बिंदु रहस्य का है, जिसके मायने काम ऊर्जा का आध्यात्मिक प्रकाश में रूपांतरण होना है। अपने गहनतम अर्थों में इस गुप्त सिद्धांत की व्याख्या जन सामान्य के लिए नहीं की गई और न ही इसके रहस्य को खुलकर बताया ही गया है। यह नाथ योगियों के गुप्त समूहों में संरक्षित है। जब इस गुप्त विद्या का समुचित तरीके से पालन किया जाता है, तब यह शरीर, मन और आत्मा की त्वरित उन्नति प्रदान करती है। परंतु यदि किसी का तरीका गलत है, तब यह नकारात्मक विस्फोटक परिणाम देती है। महान सिद्ध भोगारनाथ चीन गए, जहां वे बो यांग के नाम से जाने गए और कालांतर में चीनी सिद्ध लाओत्सु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चीन वासियों को भारतीय पद्धति के यिन यांग योग की शिक्षा दी। कालांतर में उन्होंने पारद एवं दूसरी धातुओं की रसविद्या और उनके उपयोगों के विषय में कुछ गुप्त ग्रंथों की रचना की थी। तथापि किसी प्रकार रसविद्या के कुछ मूर्ख एवं नौसिखिए चीनी साधकों ने इस गूढ़ विज्ञान की इधर उधर बिखरी हुई अस्पष्ट जानकारी अपने अधिकार में कर ली और संपूर्ण रूपांतरण की इस रसविद्या की अपूर्ण तस्वीर पेश की। इस विज्ञान की गहराई में उतरने से पहले नवीन साधकों को इस बात के प्रति सावधान होना होगा कि यह भारतवर्ष के प्रमाणिक नाथ योगियों द्वारा ही सिखाई गई हो, न कि किसी अपूर्ण चीनी ग्रंथों द्वारा, जो जल्दबाजी में की गई आधे अधूरे ज्ञान की अभिव्यक्ति है। अब यहां मैं विशेष रूप से मनुष्यों में उपस्थित वीर्य ऊर्जा के आध्यात्मिक तत्व, जिसे ओजस कहते हैं, में अंतिम रूपांतरण का संदर्भ दे रहा हूं, जो अंततः शरीर के संरक्षण और अनस्वरता में सहयोग करता है। हमें यह समझना होगा कि वीर्य की एक संघनित बूंद एक अद्भुत घटना है। यदि इसका समुचित ज्ञान के द्वारा रूपांतरण किया जाए, तब यह आपको जीवन मुक्ति के द्वार पर लाकर खड़ा कर सकती है। यदि इसका दुरुपयोग किया जाए, तब यह आपको जलाकर खाक कर सकती है। ऐसी है इस यौन ऊर्जा की शक्ति। बाबा जी गोरक्षनाथ द्वारा प्रदान की गई विशुद्ध प्रविधियां यथा वज्रोली, सहजोली और अमरोली का अभ्यास पूरी सावधानी एवं योग्य मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। ये सब योग की उन्नत विधियां हैं, जो वीर्य एवं शरीर के दूसरे रसों के आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित होने से संबंधित है। पारद उपचार एवं नवीकरण का चमत्कारी सूत्र। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में ऐसे बहुतेरे योगी जन मिल जाएंगे, जो अपने योग अभ्यासों एवं ध्यान साधना के लिए कीमियाई शिवलिंग का निर्माण करते हैं। पारद अपनी तरल अवस्था में मायावी मन का प्रतीक है, जिसे वश में करना कठिन है। इसमें गंधक और संख्या के तत्व भी शामिल हैं, जो विषाक्त है। जबकि उसी पारद धातु का जब रसविद्या की प्रक्रिया द्वारा स्थूलीकरण किया जाता है, तब वह धीर एवं स्थिर मन का प्रतीक है। स्थूलीकरण की यह प्रक्रिया इस धातु में उपस्थित समस्त विषों को निष्कासित कर देती है और इसे अमृतमय
प्रभाव प्रदान करती है जो साधक के शरीर एवं मन को प्रकाशित कर उसके शरीर कोशों के वृद्धत्व की प्रक्रिया को रोक देती है। रसायन शास्त्र के शब्दावली में पारद धातु का चिन्ह HG है और इसे एक बेहद भारी द्रव्य के रूप में समझाया एवं अनुभूत किया जाता है। यह तत्व अभिभाज्य है परंतु इसे 370 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध किया जा सकता है। यह एक धीमा वाष्पशील द्रव्य है जो सूर्य की ऊष्मा में धीरे धीरे उड़ जाता है। प्राचीन काल में इसे सफलतापूर्वक एवं असफलतापूर्वक दोनों ही रूप में चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता था, परंतु इसकी विषाक्तता के खतरे के कारण इसे अनुपयोगी ठहरा दिया गया। यह उस ज्ञान की कमी के चलते हुआ था जो इस धातु के रस विद्या द्वारा स्थूलीकरण से संबंधित था, जिसके बाद इसमें निहित विषाक्त प्रभाव इसके अमृतमय प्रभाव में रूपांतरित हो जाते हैं। तथापि इस द्रव्य पदार्थ से विषैले गंधक और संख्या को निकालने एवं इसे एक अमृतमय स्थूल पारद गोली में रूपांतरित करने की कला का ज्ञान भारतीय रसविदों को पुरातन काल से रहा है। इस धातु की शानदार और अद्वितीय क्षमता को ग्रहण करने के लिए पारद को उसके रसायन विद्या के पहलू में समझना आवश्यक है। रसायन शास्त्र और रसविद्या में यह अंतर है कि रसायन शास्त्र ब्रह्मांड के प्रारंभ के पीछे की दिव्य लीला या चैतन्य का होना स्वीकार नहीं करता है, और यह दुखद है कि वह चेतना को पदार्थ का गौण उत्पाद मानता है। वहीं दूसरी ओर रसविद्या के लिए पदार्थ की आध्यात्मिक सर्वोपरि चिंतन का विषय है और वह पदार्थ को सार्वभौम चेतना से उद्भूत समझने की कोशिश करती है। अतः रसायन शास्त्र एवं रसविद्या के विचारधाराओं को तत्काल रूप से एक करने की आशा दूर की बात लगती है, क्योंकि रसायन शास्त्र केवल उसे ही अपनी दृष्टि में लाता है जो आंखों से दिखाई देता है और जो इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य है, परंतु रसविद्या दिव्य है और मनुष्य एवं पदार्थों के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा को ही हमारे इस जगत की अभिव्यक्ति का एकमात्र स्रोत जानती है। अग्रणी योगी रसविद ने मनुष्य को आत्मा से निर्मित अनुभूत किया, जो क्रमिक परिवर्तन एवं सुंदर संयोजनों द्वारा आत्मा बना और फिर मन, फिर भाव और इसके बाद शरीर हुआ। दूसरी ओर रसायनविद ने मनुष्य के भौतिक पहलू की ओर देखा है और कार्य को ही कारण समझने की भूल कर बैठा, और अपनी इस गलत पहचान के चलते उसने शरीर को ही आत्मा और चेतना को शरीर से उद्भूत मान लिया। नाथ योगियों के पवित्र संकलनों में खनिजों और उनके निकली हुई धातुओं को हमारे सौर मंडल के 7 ग्रहों का एक अंश और उनसे संबंधित माना जाता है। स्वर्ण धातु से शुरुआत करें तो यह सूर्य से संबंधित है, चांदी चंद्रमा से संबंधित है, पारद धातु बुध ग्रह से, तांबा शुक्र के साथ, लौह धातु मंगल ग्रह से, टीन धातु बृहस्पति के साथ और सीसा धातु शनि ग्रह से संबंधित है। निश्चित ही हम रसविद्या की बात कर रहे हैं, रत्न विज्ञान की नहीं, लेकिन पृथ्वी के बहुमूल्य रत्न भी ग्रहों और उनकी धातुओं के साथ संबंधित है। उदाहरण के लिए माणिक स्वर्ण और सूर्य के साथ, मोती चांदी और चंद्रमा के साथ, पन्ना पारद और बुध ग्रह से, हीरा तांबे और शुक्र के साथ, मूंगा लौह धातु और मंगल ग्रह के साथ, पीला नीलम टीन धातु एवं बृहस्पति के साथ और नीला नीलम सीसा धातु और शनि ग्रह से संबंधित है। त्रिमूर्ति के रूप में पारद की रसविद्या। रसविद्या द्वारा एक धातु की व्याख्या और उसके भीतरी स्वरूप को उघाड़ने का अपना एक रहस्य है। गोरक्षनाथ के गुप्त ग्रंथों में यह कहा गया है कि जब धातुओं को अलग अलग किया जाता है तब वे एक पारद स्वरूप आत्मा, गंधक स्वरूप जीव और एक नमक युक्त देह मुक्त करते हैं। यह कहा जाता है कि ये तीनों रसायन शिव रूपी पारद, विष्णु रूपी गंधक और ब्रह्मा रूपी नमक त्रिमूर्ति का निर्माण करते हैं। यहां तक कि पेड़ पौधे भी देह, जीव और आत्मा के 3 सिद्धांतों को बाहर निकालते हैं। जब हम किसी पौधे को विभाजित कर खोल कर रखते हैं
सर्वप्रथम वह पार्वतीय आत्मा को व्यक्त करता है जो पौधे के मध्य के भीतर निहित है। इसके बाद पौधा एक तैलीय गंधक रूपी जीव को बाहर निकालता है जिसे महसूस किया जा सकता है और जो पौधे का आवश्यक तेल होता है या उस बिंदु के समान है जो पौधे के लिए एक उपजाऊ बीज का काम करता है और अंतिम में पौधा अपने मूल नमक को बाहर छोड़ता है। यह वो नमक है जो जीव और आत्मा के दो आध्यात्मिक परिवर्तनशील सिद्धांतों को एक करता है और जो इसे एक पौधे का वह रूप देता है जैसा हम सभी उसे देखते एवं जानते हैं। पौधे के विभिन्न रस और अन्य पदार्थ उपरोक्त व्याख्या में अंतर्निहित है। रसविद्या के महान सतगुरु यथा पराशर, हर्मिस, नागार्जुन और नित्यनाथ ने इस बात की पुष्टि की है कि जब हम आप किसी धातु को उसकी विशुद्धि के पश्चात रस विद्या के लिए खोलकर रखते हैं या उद्घाटित करते हैं तब यह धातु के आत्म तत्व को मुक्त करता है और फिर उसके मन तत्व को और अंत में उसके उपजाऊ नमक तत्व को सामने ले आता है। महान रसायनविदों और वीलों जिनके साथ मैं कार्य करता रहा हूं उनका कहना है कि सभी विभिन्न धातुएं पारद धातु में अव्यक्त रूप से स्थित होती है, ठीक वैसे ही जैसे बीज में एक विशाल वृक्ष निहित रहता है। जड़ी बूटियों, गर्म एवं ठंडे संलयन और मंत्रों के साथ की गई प्रक्रियाओं द्वारा समस्त धातुओं को पारद में अवशोषित किया जा सकता है और उसी प्रकार तरल पारद को दूसरी धातुओं में भी अवशोषित किया जा सकता है। यही एक कारण है कि पारद रस विद्या की सभी परंपराओं में प्रसिद्ध है, क्योंकि पारद मूल धातुओं को स्वर्ण धातु में परिवर्तित कर सकता है। पृथ्वी की आंत के जलते कड़ाहों में सभी धातुएं पृथ्वी की परत में जमा है। ये सभी विखंडन और संलयन की अवस्था में भी रहते हैं जहां ये सतत रूप से पृथ्वी की केंद्रीय अग्नि के द्वारा आंदोलित रहते हैं और पृथ्वी के खनिज पदार्थ में मिश्रित नमक से बंधे रहते हैं। जैसे यह आगे चलकर स्थूल से ऊपर उठता है या गंधक रूपी सूक्ष्म जीव की ओर जाता है जो पृथ्वी के खनिजों की आत्मा का एक आंशिक रूप से उग्र तत्व है, तत्पश्चात यह बुदबुदाते हुए सर्वाधिक वाष्पशील धातु तक ऊपर उठता है जिसे हम पारद के रूप में जानते हैं जो सभी धातुओं की आत्मा है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पारद का रस विद्या के द्वारा स्थूलीकरण करने के लिए हमें महज कोई भी उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पारदीय अयस्क, सिंगरिफ और प्राकृतिक अयस्क में पाया जाने वाला विशुद्ध पारद अत्यंत शुद्ध अवस्था में होता है और यह वही पारद है जिसका स्थूलीकरण की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। भले इसके भीतर निहित गंधक और संख्या को निकालने में अत्यधिक परिश्रम क्यों न करना पड़े, यह बाजार में पाए जाने वाली मूल पारद धातु से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि यहाँ नवजात पारद अभी जीवित है। नवजात पारे को जमाने की और स्थूल बनाने की प्रक्रिया अधिक सरल है, क्योंकि यह अपने भीतर ज्यादा गंधक और धातुओं के गुण निहित रखता है जो इसे जमाने में सहायता करते हैं। खादानों में पाए जाने वाले विशुद्ध पारद का या तो सूर्य की ओर या फिर चंद्र की ओर झुकाव रहता है या यह स्वर्ण और चांदी के दो घटकों की संतुलित अवस्था में पाया जाता है। यह स्थूल पारद के पावन शिवलिंग के निर्माण हेतु सर्वाधिक वांछनीय है। यह संतुलित पारद अर्धनारीश्वर धातु कहलाता है। पारद का जादू कुछ ऐसा है कि यह ठंडे संलयन द्रव्य में एक धातु है। तापमान बहुत कम है जो इसे धातुओं की रसविद्या के लिए एक बेहतरीन घटक बना देता है। कमरे के तापमान में पारद अपनी द्रव्य की अवस्था में रहता है क्योंकि इसमें अंतर्निहित गंधक कम अनुपात में रहता है और उसकी पारदीय आत्मा प्रभावी होती है। पारद में चार तत्व होते हैं। पृथ्वी तत्व घनत्व का रूप है, जल तत्व उसकी तरलता में है, गंधक उसकी अग्नि को दिखाता है और वायु उसकी वाष्पशीलता का घोतक है। इन चार अद्भुत गुणों में सामान्यतः केवल दो ही अनुभूत किए जा सकते हैं, उसका घनत्व और उसकी तरलता।
अग्नि और वायु उसकी वो गुप्त विशेषताएं हैं जिनका उपयोग योगी आध्यात्मिक रूप से सबल पारद शिवलिंग के निर्माण में करते हैं। स्थूल होने पर पारद के आध्यात्मिक प्रभाव साधक और ध्यान अभ्यास करने वालों को अपनी आभा से प्रभावित करते हैं। इसमें मन को नकारात्मक विचारों से शुद्ध करने की शक्ति होती है और चेतना को प्रशांत कर देने की ताकत होती है। यह सब शिवलिंग का निर्माण एवं देखरेख करने वाले उस योगी की शक्ति पर निर्भर करता है। पारद की कुंडलिनी गुणवत्ता कुछ ऐसी है कि यह एक ऊपर चलने वाली क्रिया है और जब यह स्थूल भावनात्मक एवं मनोमय शरीरों से होकर गुजरती है तब यह और अधिक उन्नत होती चली जाती है। दिव्य रसविद गुरचनाथ के कार्यों में यह स्पष्ट रूप से लिखित है कि विशुद्ध पारद विशिष्ट गुणों से भरपूर है और उन्होंने इसे 18 मूल संस्कारों और आगे चलकर 22 मूल संस्कारों को पचाने की शक्ति रखने में वर्गीकृत किया है। पारद के स्थूलीकरण का जादू। स्थूल पारद शिवलिंग बनाने की ओर कदम बढ़ाने से पहले हमें इसे शुद्ध करना आवश्यक है और उसके विष या गंधक और संख्या को बाहर निकालना जरूरी है। जब किंचित लवण को पारद की शुद्धि हेतु उपयोग में लाया जाता है तब यह एक चूर्ण जैसा पदार्थ बन जाता है। जब इसे पानी में फेंक दिया जाता है तब यह एक चांदी के आवरण की भांति दिख पड़ता है, जैसे पानी की सतह पर तैरती हुई चांदी की दुधिया परत। जब यही प्रक्रिया 3 या उससे अधिक बार की जाती है तब वे इसे स्थिर पारद कहते हैं। इसके बाद चिकनी काली कालिख के रूप में जलते हुए आर्सेनिक सल्फर के निकलने की प्रक्रिया होती है। तत्पश्चात पारद को स्थूल बनाने के लिए इसे गाढ़े आयुर्वेदीय जड़ी बूटियों के सत और खनिज राखों के साथ तैयार किया जाता है जो ठंडी प्रकृति के पौधे से मिलते हैं। अगली प्रक्रिया पारद का मरण है जिससे साधक को जीवन की प्राप्ति होती है। यह मृत्यु के द्वारा स्वयमेव एक महान रूप ले लेता है, फिर यह पुनर्जीवन की एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। हर एक प्रक्रिया के घटित होने के दौरान कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और जड़ी बूटियों को मिलाया जाता है जिससे योगी के उत्थान स्वरूप शक्ति को जगाने की ताकत रखने वाले सच्चे आध्यात्मिक उत्पाद के उचित संस्करण एवं प्रभावों को सामने लाया जा सके। एक बार जब पारद पूर्ण रूप से अपने आर्सेनिक सल्फर धातु से मुक्त हो शुद्ध हो जाता है, इसमें असाधारण विशेषताएं आ जाती है क्योंकि नकारात्मकता एवं विषों के निकल जाने से एक शून्य स्थान पारद की आत्मा में रह जाता है जहां उसकी स्मृति निवास कर सकती है, या यूं कहें कि पारद का यह शून्य आकाश उसकी स्मृति बन जाता है। यह आकाश संस्कारों भावनाओं और यहां तक कि चलने और बोलने की प्रेरणा है जो अत्यंत दुर्लभ मामले हैं की प्राप्ति के लिए खुला है। यह स्मृति अपने भीतर उस योगी की शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को संभाले हुए है जिसने पारद शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा की है और जिस शिवलिंग से कालांतर में वह मनुष्यों के कल्याण के लिए स्व शांति से जगत शांति के बल का प्रसार करता है। छोटे रूप में कहा जाए तो वह इसका उपयोग योग के समस्त साधकों की उनकी ध्यान साधना में सहायता के लिए करता है या साधना पथ में आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए करता है। पारद के रहस्यमय प्रभाव। कीमियाई शिवलिंग का निर्माण अनश्वर बाबा जी की मुख्य विशेषताओं एवं हमें प्रदान की गई उनकी विरासतों में से एक है। इसके मूल उद्देश्य निम्नलिखित हैं: पहला, यौन ऊर्जा का आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरण। दूसरा, सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से पृथक करना। तीसरा, कुंडलिनी जागरण। चौथा, योग विद्या में उपयोगित होकर यह शरीर कोषों को पुनर्जीवन कर देता है। पांचवा, यह बुद्धि को बढ़ाता है क्योंकि इसका ग्रह बुध है। छठा, योग विद्या में यह चेतना का विस्तार करता है। पारद को भगवान शिव के वीर की संज्ञा दी जाती है और तदनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीरों पर इसके अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव है, जैसे यौन ऊर्जा का आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरण,
सिलिकॉन को एक स्त्रैण तत्व माना जाता है और भारत की सिलिकॉन के साथ एकता एक नवीन जन्म का कारण बन सकती है। एक संजीवनी जो मृत कोषों को जीवित करने की शक्ति है। शरीर कोषों को पुनर्जीवन बनाने के लिए और इस प्रकार अनस्वरता को सामने ला सकती है। इससे अधिक खुलासा इस पुस्तक में करना उचित नहीं है जो सामान्य पाठकों के लिए लिखी गई है। भारत के द्वारा अनस्वरता के विज्ञान के अंतर्निहित विवरणों को समझने के लिए विद्यार्थी को सर्वप्रथम आयुर्वेदिक विद्यालयों में शिक्षित होना होगा। एक बार ऐसा कर लेने के बाद उसे किसी यथोचित योग गुरु से इस अत्यंत उन्नत कीमियाई विज्ञान को सीखना चाहिए। मैं यहां किसी साधक के शरीर और मन के उसकी प्रकाश प्रेम और चेतना की परम उच्च अवस्था में योग रूपांतरण की बात कर रहा हूं। चेतना के आध्यात्मिक उत्थान योग ने अपने गर्भ में संपूर्ण रूपांतरण की कीमिया को समन्वित करके रखा हुआ है। यह हमारे शरीर और उसके रसायनों को परिवर्तित कर उन्हें नई दिशा प्रदान करता है। प्राचीन नाथ योगी अपनी विरासत को हम तक नीचे लेकर आए हैं कि किस प्रकार वायु अग्नि और जल की हमारी देह ऊर्जाओं का सृजन और मिश्रण सही तरीके से किया जाए और अंततः हमें उज्जवल प्रकाश में परिणत किया जा सकता है। हमारी कुंडलिनी को जागृत कर हमें जीवन मुक्त किया जा सकता है। योगी और ऋषि सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सक भी थे। उन्होंने आयुर्वेद के विज्ञान की खोज की जो अपने उपचार की पद्धति को तीन जैविक दोषों जैसे कफ पित्त और वात पर आधारित रखता है। ये जल अग्नि और वायु के तीन तत्वों के जैविक समकक्ष हैं। योग रूपांतरण के विज्ञान में गहरा उतरने पर हम यह पाएंगे कि हमारे शरीर के वीर तत्व क्रमशः ओजस में परिणत हो जाते हैं जो जीवन का अमृत है। पित्त और उसकी ऊष्मा तेजस में परिणत होती है जो कुंडलिनी की अग्नि है और वायु जो वात है प्राण में परिणत होती है जो जीवन के पीछे का जीवन है। जब इन्हें ऊपर उन्नत कर इन पर कार्य किया जाता है तब ये तीन महत्वपूर्ण तत्व साधक का शीघ्रता से उत्थान करते हैं। परंतु हमारे आत्म तत्व को पूर्णतः यथार्थ रूप में समझने के लिए योगी अपनी आत्मा के सातों तत्वों यथा पृथ्वी जल अग्नि वायु व्योम मन और ओमकार पर कार्य करते हैं। वह तत्वों के सोपानों पर उन्नति करता जाता है। अपनी ध्यान साधना में अंतर विस्फोटों और स्थूल को सूक्ष्म में रूपांतरित करता हुआ वह अंतिम निर्वाण मोक्ष में लीन हो जाता है जो उसके जागरण की सहज स्थिति है।